खबर है, खाली एक तो आर्गुमेंट राज्यसभा में हमको देखने को मिला है, वो आपको भी पता है। तो उसका अलावा तो कोई कॉन्क्रीट न्यूज मेरे पास अभी तक है नहीं। अभी तक पार्लियामेंट में प्लेस हुआ कि नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ ये बिल, तो उसका होने के बाद पता चलेगा जे कितना सत्यानाश हुआ है आरटीआई एक्ट का। हमारा जितना आइडिया है या ओपिनियन है, सत्यानाश तो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। काहे के लिए आरटीआई डीपीडीपी बिल का पहले से ही कोर्ट का भी ऐसा बहुत ऑर्डर है जिसमें आरटीआई एक्ट को डैमेज हुआ है। उसका बाद कमिश्नर का, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को बात जितना कम डिस्कस किया जाए 2020 का बात से उतना ही अच्छा है। ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा ऑर्डर देता है, दिया है, जिसको जिस पढ़ने से पता चलता है जी उसका ना हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को ठीक से पढ़ा है, ना समझ पाया है, ना उसको उसी हिसाब से कोई डिसीजन लिया है। मतलब हैज नॉट अप्लाइड हिज और हर माइंड, ये तो साफ साफ बोला जा सकता है। मेरे पास ऐसा बहुत सा प्रूफ है, लेकिन समस्या इस बात की है, इसको अगर बोलने जाएंगे तो हाईकोर्ट जाना होगा, हाईकोर्ट अगर जाना है तो 40,000 जेब में लेके ही जाना होगा, तो सबके लिए संभव है नहीं है। इसीलिए कमिश्नर साहब जो ऑर्डर दे देता है, अगर नसीब अच्छा है तो लग गया, अगर नसीब खराब है तो गए भैंस पानी में। ऐसा हालत हो गया है हम लोग का अभी फिलहाल। तो आरटीआई एक्ट के बारे में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर बोलिए या सरकार बोलिए, इन टोटल में खुशी नहीं है। लोग कहते हैं ये अगर जितना जल्दी मर जाए उतना उन लोग को शांति मिलेगा। कहे के लिए ये बहुत परेशान करता है, ये मांगता है, वो मांगता है, ये दो वो दो, ये प्रूफ दो वो प्रूफ दो। समस्या होता है ना, पोल खुल जाता है, सब बाहर आ जाता है, कहाँ क्या किया है, कहाँ किससे कितना लिया है, ये सब। ये जो हम ठक्कर साहब से भी इसका बारे में एक बार पहले डिस्कस हुआ था, एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, ये बहुत लंबा केस है। तो केस था खानापुरम गंडाई वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड अदर्स, SLP सिविल नंबर 34868 ऑफ 2009। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, मैं संक्षेप में आपको सुना रहा हूँ, सुन लीजिए थोड़ा। पैराग्राफ 7 में बोला है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज नॉट सपोज टू हैव एनी मटेरियल व्हिच इज नॉट बिफोर हिम और एनी इंफॉर्मेशन ही कुड हैव ऑब्टेन अंडर लॉ अंडर सेक्शन 6 ऑफ आरटीआई एक्ट। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, अंडर सेक्शन 6 ऑफ आरटीआई एक्ट, एन एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड टू गेट ओनली सच इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी एक्सेस बाय द पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। The answer sought by the petitioner in the application could not have been with the public authority, nor could he have had access to this information. And respondent number 4 was not obliged to give any reason as to why he had taken such a decision in the matter which was before him. इसका आगे भी है, लेकिन इतना इतना पार्ट ही इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें सेक्शन 6 में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने बोला है, सेक्शन 6 ऑफ आरटीआई एक्ट में कोई भी एप्लीकेंट रीजन नहीं मांग सकता पीआईओ से। सेक्शन 401D के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने सेक्शन 401D में एक एप्लीकेशन किया था, उसको सीआईसी ने रिजेक्ट कर दिया, बोला है इस ऑर्डर को साइट करते हुए मेरा इसको रिजेक्ट कर दिया। तो हमने हियरिंग का टाइम में लिखित में दिया था और बोला भी था, ये देखिए ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट विद इन आवर टेरिटरी ऑफ इंडिया ऐसा कुछ नहीं बोला है ये सेक्शन 401D इनफ्रेक्चुअस। इसीलिए पीआईओ को जवाब पूछने का, रीजन पूछने का अधिकार है। अगर कोई भी एप्लीकेंट हैज बीन अफेक्टेड बाय द डिसीजन और द एक्शन ऑफ द पीआईओ, कौन सुने किसका बात, इसको तो इससे पता चलता है सीआईसी में प्रेजेंट कमिश्नर लोग कोई भी ऑर्डर को पढ़ता नहीं है या पढ़ता है तो समझता नहीं है, खाली इसमें लिख दिया रीजन नहीं मांगा जाएगा, बस चलो तुम्हारा एप्लीकेशन खारिज। तो यही तो हाल है। अगर आरटीआई एक्ट डीपीडीपी बिल के से बच भी गया है, मान मान लेते हैं सरकार बचा दिया, कुछ नहीं किया, जैसा है वैसा ही छोड़ दिया है, तभी भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ऐसा अगर कमिश्नर बैठे रहेगा दिल्ली में तो आप हमको समझाइए। कमिश्नर लोग को पता है कि आम पब्लिक हमारा ऑर्डर उल्टा पुल्टा अगर दे भी देते हैं, हमको खाली दिन पार कर रहा है, हमको तो 36 महीना का नौकरी है,
36 महीना में आप संडे सैटरडे गवर्नमेंट हॉलीडे साल में माइनस करके देखिए कितना वर्किंग डेज रहता है। 36 महीना पार हो गया पेंशन निश्चित, कोई बात नहीं। ऑर्डर कुछ भी हम दे दे, हमको तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। एक बार एमपी में हुआ था ऐसा घटना, तो उसमें बहुत हल्ला मच गया था। कहे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को पेनल्टी लगा दिया, कहे तुम्हारे अंडर में इतना काम करते, ऐसा उल्टा सीधा काम करते तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं रहता है। अरे ऐसा उल्टा पुल्टा ब्यूरोक्रेट को लाके बैठा देता है जिसको ना कानून पता है, ना कानून समझ में आता है, ना ऑनेस्टली काम करता है। समस्या यही है। और डीपीडीपी बिल कितना खती करेगा वो तो है एक समस्या, मेन पॉइंट है, ये सबको ही मानता है। लेकिन अगर कुछ नहीं किया खती, तो अगर बच भी गया आरटीआई एक्ट, तो हमको आप समझाइए, कोई भी पैनलिस्ट पार्टिसिपेंट हमको समझा दे, ये ऐसा अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा तो कैसे चलेगा, कैसे आपको सही ढंग से जजमेंट मिलेगा। यहाँ बोल रहा है पीआईओ के पास कोई अगर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो नहीं देगा। अगर पीआईओ झूठ बोला कौन ठीक करेगा? सेक्शन 6(3) किस लिए दिया है? सेक्शन 7(9) का पता है नहीं क्या लिखा है? सेक्शन 19(5) का कोई इन्वोकेशन नहीं है क्या बोलता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में? वो पीआईओ जो दे दिया कुछ भी लिख के दे दो, बस जाओ घूमते रहो तुम। अभी हमारे से इस बात क्या है, राहुल सिंह अभी प्रोफेसर आचार्यलू राहुल सिंह मिस्टर शैलेश गांधी अभी मिलता नहीं है सर गवर्नमेंट को, बाजार में दिखता नहीं है, कहाँ मिला कैसे खोजता नहीं है। जो भी है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर देना है दे दो। तो यही अगर हालत है तो हम लोग को सबको थोड़ा सोचना होगा। डीपीडीपी बिल तो खती करेगा ये तो कम बेसी सबको पता है, लेकिन अगर बच भी गया, हमको लगता नहीं है ऐसा कमिश्नर रहेगा दिल्ली में, तो कोई जजमेंट नेचुरल जस्टिस आपको मिलेगा, जस्टिस कोई चांस भी नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाद में बताएंगे फिर। शिवानंद जी जी धन्यवाद आपका आशीष नारायण जी, आपने अपना ओपिनियन रखा। हमारे बीच में माननीय शैलेश गांधी सर जुड़ चुके हैं। सर उनका स्वागत करेंगे हम। सर आवाज आ रही है? जी चलिए, जब तक शैलेश सर जुड़ते हैं हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे आदरणीय वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब को कि वह इस विषय पर कुछ अपने विचार रखें। वीरेंद्र जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। जो जी अभी आशीष नारायण बिश्वास जी ने जो कहा वो सुना मैंने। इसमें जो एक वीडियो आया हुआ है कि कुछ पार्लियामेंट में वो चल रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वेदर इट वाज क्वेश्चन एंड आंसर और बिल प्रस्तुत हो गया है, ये उस पर से क्लियर पता नहीं चलता। क्योंकि बिल प्रस्तुत होता है तो उसमें बाकी मेंबर्स भी होने चाहिए, अदरवाइज इट कुड बी क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। तो क्वेश्चन आंसर में तो एक मेंबर भी बोल देता है, और उसका मतलब अभी जो पार्शल एक जो वीडियो आया उससे ये पता नहीं चल रहा है कि बिल प्रस्तुत हुआ है कि नहीं। दूसरी बात, जो खानापुरम गंदैया केस, उसमें ये हुआ कि जज से पूछा गया कि आपने अमुक निर्णय क्यों पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास अपील का मौका है, और यदि जज कारण एक्सप्लेन नहीं करता है तो उसका वैसे ही अपीलेट लेवल पे केस कमजोर पड़ जाएगा, वो क्रैश भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि कारण जो है जज के ऊपर पीआईओ अपनी कमेंट्री करे कि अमुक निर्णय क्यों दिया गया, क्योंकि जज अलग व्यक्ति है, जज इज नॉट पीआईओ। और पीआईओ जज के निर्णय के ऊपर कमेंट्री करे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो अस्तित्व में है फिजिकली जो कागज पर है वही इंफॉर्मेशन इसमें मिल सकती है, जो भौतिक रूप में नहीं है वो सूचना नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जो 4(1)(d) है वो स्वयं प्रकटन से संबंधित है, तो स्वयं प्रकटन जो है वो पब्लिक अथॉरिटी का, पब्लिक अथॉरिटी और पीआईओ का फर्क हमको समझना पड़ेगा। जो स्वयं प्रकटन है वो पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है, और यदि बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं तो स्वयं प्रकटन वो क्या करेगा, वो उसमें दिया गया है। अब कारण यदि फैब्रिकेट करके पीआईओ दे तो वो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि वो जज के जजमेंट के ऊपर कमेंट करने लग जाए तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जजमेंट पर हर पीआईओ के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो ओपिनियन और एडवाइस है, सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस में भी कहा है पैरा 35 में, जो प्री एग्जिस्टेंट है वो सूचना है, ओपिनियन एडवाइस अपना अपना कुछ भी हो सकता है। तो पीआईओ इज नॉट बाउंड टू गिव लीगल एडवाइस, किसी को लीगल एडवाइस देने के लिए वो बाध्य नहीं है। क्योंकि यदि हर व्यक्ति अपना अपना लीगल एडवाइस देता, हम बोल सकते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्ट है ईमानदार है, हमारा चीफ सेक्रेटरी भ्रष्ट है ईमानदार है, ये ओपिनियन हो गया।
ये कागज पर यदि है कि अमुक परचेस में क्या हुआ तो परचेस के डॉक्यूमेंट और ये हम दे सकते हैं विदाउट गिविंग एनी कॉमेंट्री। तो इसलिए क्या है कि जो प्री एग्जिस्टेंट है वही सूचना 2F में आती है, तो ओपिनियन और एडवाइस वर्ड को भी उन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है। और इसलिए जो खानापुरम गंदगिया वाला केस था उसमें उन्होंने कहा कि जो जज का जो निर्णय है, जज का यदि कोई जो उसने कह दिया वो सफिशियंट है, उसके आधार पर अपील की रिमेडी आपके पास है। और यदि पीआईओ जजेस के जजमेंट पर कमेंट करने लग जाएगी अमुक निर्णय उन्होंने क्यों किया क्यों नहीं किया, तो वो फिर बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा कि जज के ऊपर फिर पीआईओ भारी पड़ रहा है या वो कमेंट्री कर रहा है या उसमें अपने कुछ ऐड कर रहा है कि अमुक निर्णय क्यों किया क्यों नहीं किया, क्योंकि जज अलग व्यक्ति है, पीआईओ अलग व्यक्ति है, एंड जज इज नॉट पीआईओ। तो ये प्रॉब्लम उसमें होती है। इसलिए खानापुरम गंदेया में उन्होंने कहा कि जो प्री एग्जिस्टेंट है, जो मटेरियल फॉर्म में है, भौतिक रूप में है, वही सूचना है, जो भौतिक रूप में नहीं है वो सूचना नहीं है। इसलिए एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इन्फरेंस, कंक्लूजन, ये सब चीजें सूचना के दायरे में नहीं आती। इस तरह से उसमें स्कोप जो है वो क्लियर किया गया था। धन्यवाद। शैलेश गांधी साहब जुड़ चुके हैं, थैंक यू। बिल्कुल बिरेन जी और शैलेश गांधी सर का हम सभी स्वागत करेंगे। और शैलेश सर एक लंबे अरसे के बाद हमारे बीच में आए हैं, सर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सबको। आप लोगों को बता दें कि शैलेश सर अभी बीच में थोड़ा सा यूएस गए थे और वहां से भी लौटे हैं, तो इसलिए हमारे बीच में भी उपलब्ध नहीं हो पाए थे और वहां से कनेक्ट होने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो सर जिस तरह से टॉपिक था, हमारी चर्चाएं हुई थी, टॉपिक जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है कैबिनेट में जो पास हुआ है और भविष्य में लोकसभा राज्यसभा में चर्चा के लिए आएगा, उसी के विषय पर है कि यह किस रूप में पास हुआ है कैबिनेट में और आगे क्या होगा इसका इम्पैक्ट आरडीआई के ऊपर। स्वागत है सर, प्लीज। कैबिनेट में किस रूप में पास हुआ है ये तो पब्लिक किया नहीं है गवर्नमेंट ने, वो करना चाहिए था, मगर जो कुछ सूचनाएं आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि उसमें सेक्शन 29(2) और 32 वैसे ही रखे हैं ऐसा लग रहा है। अगर ये हो गया तो ये बहुत बड़ा झटका होगा लोकशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए, सूचना के अधिकार के लिए। मेरे ख्याल से हमें ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि सूचना का अधिकार के लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। कम नसीबी से ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि हमने कहां कहां गलती करी। सबसे पहला कट्टरवार सूचना के अधिकार पे हुआ आदित्य बंदोपाध्याय के जजमेंट में, जहां पे ये कहा गया कि भारत की अखंडता, इंटेग्रिटी, हार्मनी एंड पीस को सूचना का अधिकार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई पुरावा नहीं है, 18 साल में ऐसा कोई पुरावा नहीं है कि ऐसा कुछ भी हुआ हो। आदित्य बंदोपाध्याय में भी ऐसा कहने को कोई कारण नहीं था, मगर ऐसे ही कह दिया और वो पूरे देश में फैल चुका है कि सूचना का अधिकार देश को हानि पहुंचाने की संभावना रखता है, जो सरासर गलत है, इसके लिए कोई आधार नहीं है। इसको हमें लड़ना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ऐसा गलत है। दूसरा एक चीज उसी बंदोपाध्याय से जजमेंट से हुआ कि लोग ये कहना शुरू कर दिए कि आरटीआई मिसयूज होता है, ब्लैकमेल होता है, और गिरीश देशपांडे जजमेंट ने बिना कोई कारण दिए 81J का स्कोप अमेंड कर दिया। 81J में एग्जम्प्ट है इंफॉर्मेशन जब वो पब्लिक कारणों से नहीं है, जब वो प्राइवेसी पे आघात पहुंचाता है, जब वो सूचना पार्लियामेंट की असेंबली को नहीं दी जाएगी, ये सब पर एक छोड़ के गिरीश देशपांडे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसके लिए एग्जम्प्ट है। और वो चीज बाद में करीब आधा डजन जजमेंट्स में रिफ्लेक्ट हुई। डीपीडी भी बिल उसी को, जो चीज आज इलीगल है उसी को लीगल करने की कोशिश है ये। मगर हमें ये बहुत जरूरी है कि कानून को हम समझे, कानून के दायरे को समझें। पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर हम
देने को मना करेंगे तो सूचना का अधिकार संकुचित हो जाएगा। पाश्चात्य देशों के हम कॉपी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स वगैरह कहते हैं पाश्चात्य देश ऐसे कर रहे हैं, हमें ये करना चाहिए। पाश्चात्य देशों में भ्रष्टाचार इतना नहीं है, पाश्चात्य देशों में खुद ब खुद सूचना प्रकट की जाती है, लोगों से शेयर की जाती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी इंट्रिंसिक है, जबकि अपने देश में वो नहीं है। अपने देश में भ्रष्टाचार बहुत है, इसके लिए कोई एजेंसी उसको रोक नहीं सकती, सिर्फ जनता रोकने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से 1929-2 and 1932 को अपोज करना हमारे लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी, एंड पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहना होगा कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने भी बिल नहीं देखा है, किसी ने बिल नहीं देखा है पब्लिक में, मगर उम्मीद नहीं है बहुत ज्यादा कि वो 1932 and 1929 को बदली करके दें। और अगर वो नहीं बदली करके दिया तो सूचना का अधिकार फिलहाल तो सूचना नहीं देने का अधिकार बन जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका कंसर्न बिल्कुल सही है और ये काफ़ी चिंता का विषय है कि सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम पर सूचना के अधिकार कानून को पूरी तरह से खत्म कर रही है, और ये षड्यंत्र काफ़ी हद तक समझ में भी आता है क्योंकि एक बात जोड़ना चाहूँगा शिवानंद जी, जो रह गई सिविल सोसाइटी एनजीओस और के जो एलीट है वो भी कुछ हद तक पर्सनल इंफॉर्मेशन डिनाई करने के फेवर में है, ये हमें हकीकत समझना चाहिए। मैंने खुद शिवानंद जी को इस बारे में असमंजस में पढ़ते देखा है। इस पे हम जब तक क्लियर पोजीशन नहीं लेंगे हर चीज में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नुकसान होने की संभावना रहती है, परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिलते हैं। मगर अगर हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से सोचने की कोशिश करें, ये प्राइवेट का जो सवाल है वो सिर्फ 5-7% देशों जनता के लगता है, 90-95% लोगों को उसका कोई लागू नहीं है। राजस्थान का जन सूचना पोर्टल है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कौन से गांव में कौन से फलाने आदमी को कितना राशन मिला। अब ये उस आदमी को भी तकलीफ नहीं है, पेंशन कितना मिला कहां से मिला ये सब जब तक हम प्रकट नहीं करेंगे तो प्राइवेसी के नाम पे हम ढकोसला करके पूरे देश को तकलीफ दे रहे हैं, पारदर्शिता को तकलीफ दे रहे हैं। और ये टेंशन हमें खुद समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि शायद थोड़ा बहुत हमारी इंफॉर्मेशन जो हम नहीं देना चाहते हैं वो देनी पड़ेगी, पर वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम इस बैटल को लूज करते रहेंगे। सॉरी, धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपने जो बात कही है कि डिलेमा कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन हमें याद है हमने जब इस विषय पर चर्चा की थी एक केस आया हुआ था जिसमें कुछ स्टूडेंट्स की मार्कशीट को लेकर के था, तो तब बात आई थी, तो ये था कि क्या ये सारी जानकारी पब्लिक होनी चाहिए, तो उसका ये था कि कभी कभी 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं भी उनकी मार्कशीट या उनके अंक शेयर किए जाएं और अनमैच्योर्ड होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बात को लेकर के था। तो सिर्फ उसके अतिरिक्त और तो कहीं नहीं है कि मतलब क्यों शेयर किया जाए क्यों ना शेयर किया जाए, बिल्कुल शेयर किया जाए। कारण जी, बहुत सारे सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट कहते हैं ये नहीं शेयर करना चाहिए, ये शेयर करना चाहिए। साकेत गोखले अभी MP बने हैं राज्यसभा के, TMC के, वो भी RTI एक्टिविस्ट थे, उनका RTI एप्लीकेशन और जवाब पब्लिश किया गया तो उसके सामने वो बॉम्बे हाईकोर्ट में गए और बोले मेरा एड्रेस नहीं दिखना चाहिए, मैं बहुत स्पेशल हूँ, ये स्पेशल लोगों की बीमारी है। नहीं नहीं, वो तो गलत हुआ है, उसी की वजह से लॉस भी हुआ है काफी हद तक तो RTI कानून को, आदित्य बंदोपाध्याय के निर्णय के बाद में इसमें इसका भी काफी लॉस हुआ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम पर जो उन्होंने कहा कि हमारा एड्रेस शेयर नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों का इंटेंशन भी क्लियर हो जाता है कि
अब आरटीआई का भला करते करते वो अपना भला करते मतलब करने लगे और कर चुके हैं, तो ये भी सर एक दिक्कत की बात है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि हर कोई कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिव या सेल्फ इंटरेस्ट तो कहीं ना कहीं लोगों का जुड़ा ही रहता है, तो कोई एक धारा में काम करना प्रारंभ कर देते हैं कि स्ट्रीम में, और फिर इसके बाद जब पर्याप्त तो नाम और फेम मिल जाता है तो उसके बाद वो डाइवर्ट होकर के फील्ड को चेंज करके वो एक नए नई सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं, नई जगह पर पहुंच जाते हैं, जैसा कि हम मोस्ट ऑफ द केसेस में देखते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी रहे हों चाहे और बहुत सारे लोग जिनके आप उदाहरण बता रहे हैं। तो ठीक है सर, इसमें अब कुछ लोगों के हम और भी ओपिनियंस हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी सुन लेते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप लोग अपने हैंड रेस का जो ऑप्शन है उसको चुने जिससे हम आपको कॉल कर पाएं कि आप के क्या समस्याएं हैं और आप क्या बोलना चाहते हैं। डीबी विशेष तौर पे आ जाए, यदि आप डेटा बिल के बारे में कुछ अपने प्रयासों अपने ओपिनियंस के बारे में बताएंगे लोगों को यहाँ पर तो बहुत अच्छा रहेगा। गोविंद राजन जी, आर गोविंद राजन जी हैं जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, तो सबसे पहले हम उन्हीं को यहाँ पर इन्वाइट करेंगे कि वो अपनी बात रखें, क्या है उनकी समस्याएं, कुछ प्रश्न है या इस विषय में कुछ कहना चाह रहे हैं। आर गोविंद राजन जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों के जो प्रश्न है उसके लिए हम बेहतर होगा यदि आप हैंड रेज का ऑप्शन चुनेंगे तो हम आसानी से आपको कॉल कर पाएंगे, वरना बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो ये दिक्कत होती है। हरीश सोलंकी जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर, क्या मुझे आर्टिकल 348 पर कुछ बोलने का समय मिल जाएगा क्या, 2-5? हाँ, आप बोल सकते हैं, लेकिन हमारा कहना सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं हम इसी से जुड़े रहे तो अच्छा रहेगा, ज्यादा डाइवर्ट ना हो। बोलिए, आप कहिए। सर, मैं अपने अनुच्छेद 348 को पढ़ रहा हूँ जिसमें भाषा प्रयोग का जिक्र है, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि सिंगल भाषा का प्रयोग का बताया गया है, इसमें डबल भाषा को प्रयोग करने के लिए जोड़ दिया गया है आर्टिकल 348 में। और आर्टिकल 348 में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, अलग से नहीं रखा गया है। आर्टिकल 348 यदि हम पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो केवल भाषा के बारे में बात कर रहा है, और उसकी मंशा यही है कि केवल और केवल एक भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए। उन्होंने अंग्रेजी को अथोराइज जरूर किया है भाषा में, लेकिन ये नहीं कहा है कि केवल अंग्रेजी ही वापरोगे और बाकी सब भाषाएं बंद कर दोगे, ऐसा कहीं भी मतलब ओनली शब्द का और सिंगल शब्द का या वन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है अनुच्छेद 348 में। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट जो कई बार बोलता है कि हमारी भाषा तो अंग्रेजी है, लेकिन इस पूरे अनुच्छेद को पढ़ने के से ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है कि संविधान ने ऐसा कहा हो कि केवल ओनली अंग्रेजी में ही कार्य होगा। इसे पूरा पढ़ने पर कहीं इसका मंशा ऐसी नहीं नजर आती है कि इसका अर्थ केवल अंग्रेजी भाषा में कामकाज किया जाएगा, बाकी भाषा में नहीं कर सकते, बाकी भाषाओं पर प्रतिबंध होगा। यहाँ पर कहीं भी अनुच्छेद 348 में सिंगल शब्द का या ओनली शब्द का या वन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अंग्रेजी को अथोरिटेटिव भाषा जरूर बोला है, लेकिन अथोरिटेटिव भाषा का मतलब ये नहीं होता है कि किसी अन्य भाषाओं पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, इसका ये अर्थ नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने कुछ सुप्रीम कोर्ट को मेल भी किया है इस विषय पर और कुछ आरटीआई में भी जानकारी मांगी है, लेकिन मैं आप लोगों के भी कुछ विचार जानना चाहूंगा कि क्या शैल का अर्थ सिंगल ओनली या वन हो सकता है, जबकि भारतीय संविधान दो भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी और अंग्रेजी, तो फिर अनुच्छेद 348 केवल अंग्रेजी कैसे निकल गया? और उन्होंने
शैल का मतलब ओनली क्यों ले लिया, सिंगल क्यों ले लिया, वन क्यों ले लिया, ऐसा प्रश्न है, जिज्ञासा है। ये आप जो बोल रहे हो सिर्फ संविधान के आधार पर है, देयर इज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1968 आल्सो। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ इंग्लिश ही चलेंगी, और यदि हिंदी है तो फिर इट मस्ट बी अकॉम्पनीड बाय इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो वो जो संसद का पास किया हुआ जो अधिनियम है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, सॉरी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कई लोग समझते हैं कि हिंदी है, लेकिन उन्होंने वो स्टेट पर छोड़ दिया है कि स्टेट यदि चाहे तो अपने स्टेट में लागू कर सकता है हिंदी या जो भी भाषा, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषाएं होती है। तो इसे उसमें ये कहा गया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की वो इंग्लिश है, और जो अलग अलग स्टेट है वो यदि चाहे तो हिंदी अपने अपने उसमें लागू कर सकते हैं। रही बात जो इम्प्लीमेंटेशन की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लेवल पर, तो उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स वगैरह और इनका अनुवाद भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऐसा होगा कि ये लोगों को आगे तो आना ही पड़ेगा, कोई ना कोई उसको करेगा, और फिर करने के बाद ही जैसे अधिनियम वगैरह होते हैं तो हिंदी विभाग वगैरह भी खोले गए हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का अधिनियम होता है, एक शब्द भी बदल जाए तो अर्थ बदल जाता है, कोरिजेंडम छापना पड़ता है। तो इसलिए वो कार्य है, इवन अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6 भाषाओं में कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन इसके लिए हजारों लाखों टीचर्स को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जो इंजीनियरिंग की जो है पुस्तकें ये भी सब ट्रांसलेशन करनी पड़ेंगी। तो ट्रांसलेशन का काम सब जोर शोर से चल रहा है, तो एक ही सरकार ही सब कुछ कर देंगी ये करने के बजाय जो लोग हैं उनको आगे आके, और फिर उसको पार्लियामेंट का अधिनियम है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल ही उसको अधिकृत कर सकता है कि नाउ दिस इज ऑथेंटिक टेक्स्ट। तो बिना ऑथेंटिक टेक्स्ट के आप उसको गैजेट में छाप नहीं सकते। तो इसलिए वो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अलग अलग भाषाओं में अनुवाद और जो लोकल भाषा है, तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिया गया है, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1968 उसको आप क्लियरली पढ़ लीजिए, तो केवल संविधान के आर्टिकल 348 देखेंगे तो इट इज जस्ट इनेबलिंग प्रोविजन। उसमें जो है उसके बाद एक जो दूसरा अधिनियम पास हुआ है वो भी आपको देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ऐसा क्यों कहते हैं। धन्यवाद। पर यदि सर जो मूल जो बना है संविधान 348, तो बेस तो वही है ना, उसी बेस पर तो सारे सब चीजें लिखी गई होगी ना, तो बेस में जो वो ठीक है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट भी संसद का ही है, उसको फिर संशोधन करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को अमेंड करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा, लेकिन वो बदलना पड़ेगा पहले ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1968, और संविधान के आधार पर बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर 348 सिर्फ एक लाइन की है, मैं 348 को एक भी लाइन क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा, लेकिन उसके आधार पर जो अधिनियम बना है ना उसको 348 के आधार पर संशोधित करना पड़ेगा, तब ये हो सकता है। प्रक्रिया बता रहा हूँ कैसे होगा। नहीं, पर मेरी मेरी ये है कि इनमें यदि इन्होंने ओनली शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया ना 348 में, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1968 का उल्लंघन करना शुरू कर दिया हम आज से सब लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन लेकिन एक ही संविधान में ये लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का उल्लंघन आज से शुरू कर दे सब लोग। वो भी संसद का ही अधिनियम है ना, तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा कि एक अधिनियम में ये लिखा है और दूसरे अधिनियम में क्या कुछ दूसरी बात लिखी है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उसका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब ऐसा करना अर्थ निकालना पड़ेगा कि ना इसका उल्लंघन हो ना उसका उल्लंघन हो। बीरेन जी, बीरेन जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सेलेस सर भी जुड़े हुए हैं, तो टॉपिक सेट की बात ना करें, इसकी चर्चा हम कभी और कर लेंगे कि लैंग्वेज पर ही की कौन कौन सी लैंग्वेज संविधान में है, कौन कौन सी देश में चलनी चाहिए, कौन कौन सी, ये सब अपन अगले उसमें चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इस पे आशीष नारायण जी आज के टॉपिक पर कृपया बोलें आप लोग। हम दो सवाल है छोटा करके, हम तो ठाकुर साहब को बताना चाहते हैं। सर ठाकुर सर, एक्चुअली 348 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में साफ साफ लिखा है, ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब हमको जितना समझ में आता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सब काम काज इंग्लिश लैंग्वेज में चलेगा। मैं सही हूँ या गलत? हाँ, वो आपने सही बताया, वो हरीश सोलंकी जी को समझा दीजिए। अच्छा, थैंक यू सर। दूसरा दूसरा बात है, सॉरी सॉरी, मैं खत्म कर लेता हूँ साहब, उसके बाद आप बोलिएगा। मेरा दूसरा बात है गांधी सर को, दूसरा सवाल है। सर गांधी सर, मैं आशीष नारायण विश्वास फ्रॉम वेस्ट बंगाल। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, बुराई पहले सोच लेते हैं। मान लीजिए
डीपीटीपी बिल का सेक्शन 29 और सेक्शन 30 बरकरार है, पास हो गया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में तो पास हो ही जाएगा, 303 पावर है, कौन रोक सकता है उसको, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, 111 106 का हिसाब है, वहां पास हो जाएगा, उसका बात तो कोई समस्या है ही नहीं। इसके बाद हम लोग कहाँ जाए, क्या करें, थोड़ा गाइड कीजिए। मेरे हिसाब से हमें सब जगह ये बैटरी चालू रखनी पड़ेगी कि हमारे मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कंस्ट्रिक्ट किया जा रहा है डीपीटीपी बिल के जरिए। दूसरा जो उससे उतना ही महत्व का है, सिविल सोसाइटी, आरटीआई यूजर्स, एक्टिविस्ट, सबको तय करना पड़ेगा कि प्राइवेसी का मतलब क्या है। मैं कहता हूं कि प्राइवेसी का मतलब यह है कि जो आर्टिकल 19(2) से सैंक्शन है, आर्टिकल 19(2) में कोई चीजों पे प्राइवेसी पे बाधा है, डिसेंसी और मोरालिटी, जो चीज डिसेंसी और मोरालिटी को वायलेट करता है वो प्राइवेट है। ऐसी सूचना पार्लियामेंट को भी नहीं देनी चाहिए। इस पे अनफॉर्चुनेटली एग्रीमेंट नहीं मिल रहा है, इवन आरटीआई यूजर्स में क्लैरिटी नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है। जब हम लोग तो सब लोग बोलते हैं हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं देने का, आरटीआई एक्टिविस्ट बोलता है मेरा आरटीआई एप्लीकेशन है वो नहीं बताने का, मेरा नहीं बताने का, मैं स्पेशल हूँ। जजेस बोलते हैं मैं स्पेशल हूँ, मेरा नहीं बताने का। ये इसको, हाँ सर, इसको इसको खत्म करने के लिए, हमारा जितना समझ में आता है, इसको खत्म करने के लिए एक कॉन्क्रीट लॉ चाहिए। तो लॉ हम लोग का देश में तो सरकार कभी नहीं लाएगा ऐसा, कहे के लिए उसका भी दुकानदारी बंद हो जाएगा। एक्ट बहुत अच्छा है, डीपीटीपी बिल को ओवरराइड नहीं करने देना चाहिए, उतना ही जरूरी है। हाँ वही हम कह रहे हैं, वही हम कर रहे हैं, लेकिन इसको अगर हम पब्लिक में समझाने जाए तो वो पहले बोलता है, क्या मैं आपको बता रहा हूँ, जो 100 रुपया रिश्वत देने से हमको कागज खबर मिल जाएगा, कागज मिल जाएगा, हमको इतना माथा पिची करने का क्या दरकार है। आप इस मूर्ख को हमको अगर हम समझाने लगे तो मेरा तो जिंदगी गुजर जाएगा, मेरा नेक्स्ट पीढ़ी भी गुजर जाएगा। के लिए उसका उसको इतना समझ में आता है 100 रुपया देने से 10 मिनट में हमको कागज मिल जाएगा, खबर मिल जाएगा, तो इतना 10 रुपया दे के चिट्ठी लिखो, उसका बाद उसको पोस्ट करो, उसका बाद एक महीना इंतजार करो, उसके बाद फास्ट अपील करो, उसका भी तो मैंने सेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, फास्ट अपील अथॉरिटी PIO वो तो एक ही छत का नीचे काम करता है बैठ के, फास्ट अपील अथॉरिटी कभी PIO का एगेंस्ट में नहीं बोलेगा। जाएंगे CIC में, उसका हालत तो मैंने पहले ही बता दिया, शायद सुने हैं, तो सब पब्लिक बोल रहा है कि तो इतना माथा बची करने का, हम 100 से ज्यादा पैसा मेरा खर्चा हो जाएगा आरटीआई में, तो हम 100 रुपया रिश्वत देके कागज ले लेंगे। अभी हम इसको अगर फंडामेंटल राइट समझाने जाएं, जो कानून में लिखा है, बोलो वो किताब लेकर तुम्हारा पास रखो, हमको जाने से दरकार नहीं है। कहे के लिए 90% तो पब्लिक ऐसा ही है, वो खाली सोचता है खाओ सो बस कहानी खत्म। जब तक भारत के नागरिक सोचेंगे तो स्वराज आएगा, तो लोकशाही आएगी, कोई मीनिंगफुल बेटर देश नहीं बनेगा। ना वो तो बनेगा नहीं, क्या के लिए अगर मान लीजिए सब कोई सचमुच का शिक्षित हो जाए तो पॉलिटिकल पार्टी का तो दुकानदारी बंद हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी लोग चाहता है इलिटरेट पब्लिक जितना हो उतना उसको फायदा है, काहे के लिए उसका पास जाएगा, हमको ये दो ये दो, हमको हेल्प करो, हमको लोन दे दो, हमको वो दे दो, हम तो नहीं जाएगा, इसलिए हम खराब आदमी है, हमसे उसको मतलब है नहीं, हमको तो भी देना मुश्किल है। यही लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, शायद मेरी जिंदगी में नहीं होगा, शायद 50 साल बाद होगा, मगर ये लड़ाई जितना जरूरी है भारत देश के लिए। सर अभी भी हम लोग का देश में, शायद आपको पता है, पुणे में एक इसरो का साइंटिस्ट को अरेस्ट किया है महाराष्ट्र ATS ने, वो इसरो का बहुत मैंने बड़ा साइंटिस्ट है, जो पाकिस्तान एजेंट को इसरो का कॉन्फिडेंशियल क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मैंने इंफॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन बच गया, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, उसको पहले उसको दबोच दिया है। तो अभी भी हिंदुस्तान में ऐसा ऐसा जो अचंद है, तो वो वाला जो साइंटिस्ट है वो तो मूर्ख नहीं था सर, वो तो पढ़ा लिखा वाला था, इसरो में जो काम करता था, तो सॉरी DRDO में, सॉरी इसरो नहीं, DRDO, आई एम सॉरी DRDO में, तो वो तो मूर्ख नहीं था, वो तो पढ़ा लिखा वाला था। तो पढ़ा लिखा वाला अगर जयचंद हो जाए, हॉनी ट्रैप में फंस जाए, तो क्या पढ़ा लिखा, क्या इसमें टंडा का अलावा कुछ नहीं होगा सर, सीधी बात है, मैं जो समझता हूँ, सवेरे 4 बजे से डंडा मार के उठाओ, दिन भर डंडा मारते रहो, रात में डंडा मार के सुलाओ, सब सुधर जाएगा, एक के महीना में ठीक हो जाएगा सर। तो ये कंप्लीटली अलग डिस्कशन है। हाँ हाँ चलिए
चलिए डिस्कशन जो हाँ है टॉपिक पर ही और थोड़ा सा फ्रूटफुल रखा जाए, हाँ ज्यादा बेहतर है, अपन इसको ज्यादा इधर उधर ना भटकाएं। आर गोविंद राजन जी, क्या चक्कर है आपका? आपने हैंड रेज किया हुआ है लेकिन आप अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, आप क्या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सुरेश शर्मा जी, आपके क्या कुछ प्रश्न हैं? जी अभी तो नहीं सर। हाँ तो आप अपने प्लीज वीडियो को अस्थाई कर लीजिए और साथ में म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपका बार बार ये इसमें डिस्टरबेंस आ रहा है ना, अनम्यूट कर सर जी लीजिए हम अपना। क्या जा सर जी पहली बार जुड़े हैं और भी हम जानते नहीं हैं, थोड़ा सुधार चलिए कोई बात नहीं, कर लेंगे। मैं कर देता हूँ आपको सुधार। और हमारे अन्य साथी हैं देवेंद्र अग्रवाल जी, कुछ और बात रखनी है? गांधी सर जाने की बात कर रहे थे तो हम सोच रहे हैं कि उनके लीव करने के पहले कुछ आप लोग और भी अपनी बातें रख लें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसे कि शैलेश सर बोल रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मुझे तो बस एक ही बात समझ में आ रही है कि हमारे बीच में जो लोग हैं वो काफी निष्क्रिय हो चुके हैं, वो काम इस पर कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। काफी बार कई चीजों के लिए आह्वान किया गया है, कई चीजों की कोशिश की गई कि हम रोड पे आ सके, हम अपनी बातों को रख सके, कई बार कई चर्चाएं हुई, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक तौर पे या जिस भी तरीके से देखें हमको रिजल्ट इस तरीके का नहीं आ पा रहा है कि हम अपने विरोध को सरकार तक दिखा पाए। सरकार को जब विरोध नहीं दिखेगा तो वो कैसे हमारी बात मानेगी? हम गिनती के लोगों की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे तो यही लग रहा है कि कोई जो सरफिरा होगा या कुछ हमारे जो वरिष्ठ साथी होंगे वो इस डीपीडीपी बिल मिलने के बाद, वो पारित होने के बाद, उसको पढ़ने के बाद उसमें जो खामियां होंगी या जिस भी तरीके से उसको रखा जा सकता होगा उसको सुप्रीम कोर्ट लेकर भी जाना चाहेंगे, तो भी हमारे पास 5-7 साल 10 साल जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए या कुछ हो जब तक कुछ होना नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में तो मेरे को एक ही चीज समझ में आता है, जो आपको जरूरत की चीजें हैं, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसी चीजें मेरे को जैसे बच्चों के स्कूल से संबंधित है या हॉस्पिटल से संबंधित है, मैं तो निकालना चालू कर दिया हूँ, आवेदन लगाना चालू कर दिया हूँ कि भूले भटके जब तक अधिकारी इस कहानी को समझे डीपीडीपी को, जब तक भैया जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो ले लो, बाद में तो मिलेगी नहीं ये गारंटी है। एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगा देवेंद्र जी, अगर कोर्ट में गए तो हलाल हो जाएंगे, कत्ल हो जाएगा। निश्चित तौर पे सर आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ तो और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ अपने साथियों की एक्टिविटी से कि वो इसके प्रति गंभीर नहीं है। और मैं अभी एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा, मैं अभी ह्यूमन राइट्स में गया था, स्टेट ह्यूमन राइट्स रायपुर में छत्तीसगढ़ के, वहां पे एक अधिकारी के पास मैंने वहां के आयोग से संबंधित रिलेटेड विधानसभा में दी जाने वाली जवाबों के बारे में जानकारी मांगी थी, तो मेरे को वो बोलता है भैया आप तो फिर भी चलो मुद्दे की बातों पर जानकारी मांग रहे हो, लोग ऐसे उठपटांग जानकारियां मांगते हैं कि हम तो शासन को जीएडी को लिख के दे दिए हैं कई बार कि हमको जब तक सामने वाला कारण नहीं बताएगा कि वो जानकारी क्यों मांग रहा है हम तो जानकारी के आवेदन को डील भी नहीं करना चाहते, भले चाहे कुछ भी हो जाए हम आयोग में जाके जवाब दे देंगे। ये ऐसा कौन बोल रहा है? मानव अधिकार आयोग बोल रहा है, कितनी ऐसा कौन बेशर्मी बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है। तो मतलब आप अपना कारण बताइए, आप क्या करेंगे उस जानकारी का ये बताइए, उस जानकारी से आपका अपना खुद क्या पर्सनल इश्यूज है किसी तरीके का, आप किसी को परेशान तो नहीं करना चाह रहे, इसका दुरुपयोग तो नहीं करना चाह रहे? वो हर कुछ जानना चाहते हैं, वो मुझसे पूछते हैं आप क्या कारोबार करते हैं, आपका क्या काम है, इस जानकारी से आप से क्या हो गया, आपको कोई इशू है तो आप बताओ मुझे। मैं बोला सर मैंने आपसे जानकारी मांगी, मैं एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक हूँ देश का और मेरे को अपने मूल से कर्तव्यों के अनुसार 51A में मुझे मालूम है कि मुझे अपने देश के लिए, संप्रदाय के लिए, व्यवस्था के लिए, समाज की बेहतरी के लिए ये जानकारी मांगने का मेरा कर्तव्य है और मैंने मांगा है, मुझे ऐसा लगा कि इस विषय में जानना चाहिए। बोलते नहीं, कई लोग आ जाते हैं ऐसे ही और लोगों को परेशान करते हैं, हम लोग परेशान होते हैं, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। हालांकि मैंने उसको उसका जवाब दे दिया, मैं यहाँ पे उस बात को नहीं रखना पाऊं चाहूंगा जो जवाब मैंने उसे दिया, लेकिन परिस्थितियां मैं इसलिए, ये मेरे को बड़ा दुख इसलिए हुआ क्योंकि वो मानव अधिकार आयोग का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो मतलब जो वहां पे बैठे हुए जजेस है, जो हाई कोर्ट के जजेस है, उनको वो ड्राफ्ट करके देता है, वो व्यक्ति वहां का पीआईओ है और वो ऐसा जवाब दे रहा है।
जो जजेस को सुझाव देता है, सलाहकार है उनका, वो अगर ऐसा जवाब देगा तो निश्चित तौर पर हमको सोचना चाहिए। एक सही बात, सही बात, ये बहुत लंबी लड़ाई है। ब्यूरोक्रेट सर बिल्कुल नहीं चाहता है कि हम लोगों को ये राइट्स बना रहे, और मुझे भी ये लगता है कि अब लोगों को जब तक कोई चीजें मिल रही हुई है ना, प्रेम से अच्छे से मिली हुई, लोग उसकी कीमत नहीं समझ रहे थे, जब जाएगा तभी इसकी कीमत समझ में आएगी। हमको आगे तो यही लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को ये समझाना पड़ेगा कि देख लो भैया इस चीज से जाने से हुआ है और अब लोग विरोध कर रहे हैं, तो शायद कोई एजेंडे के तहत ले आए, अन्यथा तो कुछ होना नहीं है। देवेंद्र जी, मेरा ये सुझाव है कि लोक सूचना अधिकारी के पद निर्माण किया जाए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि इट इज ट्रीटेड लाइक एन एडिशनल बर्डन, क्योंकि जो कस्टोडियन रिकॉर्ड्स का उसी को किसी को बना दिया जाता है। और यूपी में ऐसा हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट पर भी शायद कुछ मेरे ख्याल से हजारों लोग अपॉइंट हुए थे और 20,000 सैलरी देते थे। अब बेरोजगारी इतनी है कि लोग 20,000 में भी लोक सूचना अधिकारी का काम करने के लिए तैयार है। तो अभी तक, अब चूंकि एक्ट को काफी साल हो गए हैं, तो लोक सूचना अधिकारी का अलग से पद निर्माण किया जाए और उसकी जिम्मेदारी निर्धारित कर दी जाए, और उसको चूंकि अधिकार भी उसको पांच चार में रहेंगे, तो वो इस तरह से यदि पद सृजन किया जाए तो हो सकता है कि शायद ये सिचुएशन इंप्रूव हो, अदरवाइज इट इज बीइंग ट्रीटेड बाय एज एडिशनल बर्डन बाय एनीबॉडी, क्योंकि इसमें कुछ मतलब ऑफिस के अपने बाकी काम तो करने ही पड़ते हैं, प्लस उसमें साथ में और इसमें इतना ज्यादा टाइम चला जाता है कि इसमें पूरा की पूरा ऑफिस कई बार बिजी हो जाता है आरटीआई के पीछे। तो इसका अलग से पद सृजन करने का भी मेरे ख्याल से एक सुझाव है कि ये इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। धन्यवाद। निश्चित तौर पर सर आप सही कह रहे हैं। जैसे मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, जो नोडल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, नोडल नर्सिंग होम एक्ट होता है, नोडल महामारी अधिकारी होता है, ये सब ग्रेड वन के अधिकारी होते हैं। और ज्यादातर आप जिले में जितने भी जिला स्वास्थ्य केंद्रों में देखोगे, वहां पे ग्रेड टू का व्यक्ति पीआईओ मिलता है छत्तीसगढ़ में। तो जब ग्रेड टू का व्यक्ति पीआईओ मिलेगा और जानकारी और प्रभारी रखने वाले इंचार्ज ग्रेड वन के रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आप बताइए कि जन सूचना अधिकारी कितनी औकात रखता है, क्या कर पाएगा। और ज्यादातर ये पनिशमेंट का पद है, यहाँ पे उन लोगों को बैठाया जाता है जिनको या तो पनिश करना हो, या जो एकदम मूर्ख हो, या जो पब्लिक को टैकल करने में, उनकी नजर में टैकल करने में सक्षम हो जी। और एक देखो इलेक्शन ड्यूटी, और इसमें मैं एक महत्वपूर्ण फर्क बताना चाहता हूँ, इलेक्शन 5 साल में एक बार होता है, देयरफॉर इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव मच स्टाफ। तो वो जो है सबको एक ऑर्डर निकाल के वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ड्यूटी असाइन कर देता है, क्योंकि ये काम रोज रोज नहीं होता है। लेकिन आरटीआई इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, तो इलेक्शन कमीशन को रेगुलर स्टाफ की जरूरत है नहीं, वो सरकारी स्टाफ को ही इस्तेमाल करता है। लेकिन सेम इज नॉट द केस विद द आरटीआई एक्ट। तो इसलिए यदि इसमें चूंकि ऑनगोइंग एक्टिविटी और लगातार एक्टिविटी है और एक काफी इसमें बर्डन भी रहता है वर्कलोड का, तो इसलिए इसके पद सृजन कर दिए जाए और उसके भी योग्यता वगैरह निर्धारित की जा सकती है सेक्शन 5 में, जो अभी मिसिंग है। क्योंकि अभी कौन बनेगा पीआईओ इसके बारे में कुछ भी से क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन दिए नहीं। नवीन शर्मा केस में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसमें ये चीज कही गई थी, लेकिन इसमें कोई ये निर्धारित नहीं की गई है कि क्या उसका पे स्केल या ग्रेड या उसका नॉलेज या कम से कम ट्रेनिंग ही इसेंशियल कर देते हैं, तो ये कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसलिए क्या है कि एक तरफ तो ऐसे लोग हैं कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, जैसे उत्तराखंड में राजरानी केस हाईकोर्ट में गया था कि जो ग्राम प्रधान वगैरह इतना कम सैलरी होता है कि मतलब सैलरी क्या मतलब कई बार तो एक मानदेय उनको मिलता है कि सूचना आयोग भी जुर्माना लगाने से पहले सोचता है कि आदमी 5,000 रुपए अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसे लोग भी लोक सूचना अधिकारी बन गए हैं। तो इसलिए इसका कोई सेक्शन 5 में इंप्रूवमेंट करके या संशोधन करके लोक सूचना अधिकारी के जो क्राइटेरिया है वो यदि शामिल किए जाए तो मुझे लगता है इस एक्ट में काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है। धन्यवाद सर। हमको आरटीआई एक्ट में कोई संशोधन की बात हमको करनी ही नहीं थी, हमने कभी की भी नहीं और हम आगे भी नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे एक्ट को लाकर जो इस तरीके का संशोधन किया जा रहा है, ये हमारे गले से नहीं उतर रहा है। हम तो सीधा सरकार से बार बार यही करना कहना चाहते हैं कि अगर आपको अमेंडमेंट करना है आरटीआई एक्ट को, आप कीजिए, लेकिन वो आरटीआई एक्ट के तहत लाके अमेंडमेंट कीजिए। आरटीआई एक्ट में जो आपको पावर है अमेंड करने का संसद को, उसके तहत लाके कीजिए। ये डीपीडीपी बिल की आड़ में छुपकर आप जो इस तरीके का जो वार कर रहे हो, जो खेल खेल रहे हो, ये तो बिल्कुल गले से नहीं उतलता है। और इट हार्डली मैटर्स, लीगली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग से भी बना दे, अलग से एक छोटा सा संशोधन है कि एक सेक्शन का बना दे आईटी का, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीगली डजंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल।
देखिए सर, मीन्स बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर बात इंफॉर्मेशन की हो रही है, पर्सनल इंफॉर्मेशन की, और जो एक्ट के अंतर्गत ये लिया गया है वो है पर्सनल डेटा। तो जो पर्सनल डेटा है और पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अगर दोनों को एक मान लिया गया है तो उसको परिभाषित भी कर दिया जाना चाहिए था। यहाँ पे तो इनकी इतनी वो नहीं है कि वो पर्सनल तक को परिभाषित कर पाए, ऐसी परिस्थितियों में ये अनुचित है, इसको चैलेंज करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए, इसमें हमारी ही गलती है, इसके लिए हम दूसरों को दोष नहीं देंगे। गांधी सर चाहे जो कुछ इसमें मार्गदर्शन दे हमें। देवेंद्र जी, गांधी सर ने मैसेज किया था, वो थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य आप देख रहे थे, उतने कमजोर दिख रहे थे, वो सब बहुत बहुत कमजोर दिख रहे थे, उनका चेहरा देख के वो लग रहा था उनकी कब, हमें लगता है कि उनकी जो कमजोरी है वो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो स्थितियां हैं, जिस तरह से सरकार ने आरटीआई कानून को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो इतना ज्यादा आरटीआई कानून के लिए इतनी बैटिंग करने वाले व्यक्ति तो आज तक हमने नहीं देखे हिंदुस्तान में, विश्व में भी हमने नहीं देखे, मतलब इतने मतलब डेडिकेशन के साथ में हर एक कार्यक्रम में हर एक तरह के लोगों को हर एक तरह का जवाब देना, उसके लिए इतनी बात करना, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शैलेश गांधी जी हमारे महात्मा गांधी जी से कम नहीं है आरटीआई एक्ट के क्षेत्र में। उसकी वजह से उनको एक तरह से सदमा टाइप का भी मुझे लग रहा है लगा महसूस होता है, और सही भी है, मतलब जिस मेहनत और जितना उन्होंने पूरा जीवन कुर्बान देकर के आरटीआई कानून के लिए उन्होंने काम किया और वो कानून लाए, वो भी चाहते तो अपनी कंपनियां बना करके थे ही, एंटरप्रेनर थे वो, और इस तरह से, लेकिन सब छोड़ छाड़ करके, तो ये दिन तो देखने के लिए वो जरूर बहुत ज्यादा दुखी होंगे कि मतलब वो तो स्पष्ट दिख रहा है। खैर एनीवे, ऐसा इन जैसा व्यक्ति कभी मिल ही नहीं सकता हमको, जो बड़े ही खुले दिल से ये भी बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई, किसी निर्णय में अगर कोई आलोचना होती है तो उसमें अपनी गलती भी स्वीकारते हैं, हमारी बातों को भी सुनते हैं, बाकी तो इतने इगोइस्टिक हो गए हैं अधिकारी या निकले हुए जो आयुक्त है वो भी इतने इगोइस्टिक है कि वो हमारी बातों को तक नहीं सुनना चाहते। तो शैलेश गांधी जी जैसे व्यक्ति तो मतलब ठीक है, हमको मिले हैं, वो हमारा नसीब है। देवेंद्र जी, कार्यक्रम में आगे आप लोगों से प्रश्न उत्तर लीजिए और इनके जवाब दीजिए, वीरेंद्र साहब ठक्कर भी है, और आप लोग कार्यक्रम में आगे देखिए जो भी लोगों के प्रश्नों के जवाब, आप लोग जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं यहाँ पर वीरेंद्र ठक्कर साहब और देवेंद्र जी से आप लोग अपनी बातें पूछ सकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद, आप इनको इनवाइट करके एक एक करके लोगों से चर्चा करें प्लीज जी। हालांकि मैं सोलंकी जी को बताना चाहूंगा, सोलंकी जी देखिए आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट में सेक्शन 61 है, सेक्शन 61 में बोलता है कि आरटीआई में जो आप आवेदन है वो हिंदी अंग्रेजी एवं वहां की राजभाषा में आप प्रस्तुत कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, आपको राइट दिया है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं बोलता है कि सामने वाला भी जो हमको रिस्पॉन्स या रिप्लाई देगा वो हम जिस भाषा में दे रहे हैं, चाहे अंग्रेजी में किए या हिंदी में किए हैं, वहां की राजभाषा में दिए हैं, वो उसी में दे, ये उनका राइट हो जाता है, तीन भाषाओं में से वो किसी में भी दे सकते हैं। इसका अनुपम उदाहरण है गुजरात, आप गुजरात में देखेंगे, आप वहां पे अगर आप आरटीआई का आवेदन हिंदी में लगा रहे हैं, इंग्लिश में लगा रहे हैं, 90% केसेस में आप देखेंगे कि आपको जवाब हमेशा गुजराती में मिलेगा, और आप उनको जो है इस विषय पे इसलिए चैलेंज नहीं कर पाओगे, वो बोलेंगे हमारे राजकार्य की भाषा जो है, हमारे स्टेट ने इसको अधिसूचित की हुई है और हम उसी के तहत जवाब देंगे, हम जो है गुजराती में ही कंफर्टेबल है। तो आप उनको बाध्य नहीं कर सकते इस चीज के लिए कि आपको देना पड़ेगा। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी, आज से कई सालों पहले भी और अभी वर्तमान में कुछ समय पहले भी, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले भी, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने कई बार जो है अपने निर्णय हिंदी में दिए। ये क्या होता है कि आप, वो आप उनका प्रोसीजर क्या रहता है, वो बोलते हैं कि आप एक अलग से आवेदन कीजिए, इंट्रीम एप्लीकेशन कीजिए या केस के साथ में एक एप्लीकेशन अलग से लगाइए कि हमें जो निर्णय है या जो हमारी भाषा है वो हिंदी में रहेगी, या आप उसमें देने के लिए वो करें, क्योंकि मैं अपने केस को या इसमें केस में मेरे को हिंदी की क्यों आ सकता है, आपको वहां पे क्लेरिफाई करना पड़ता है, अगर कोर्ट उस बात को जस्टिफाइड पाती है तो वो ऐसा प्रक्रिया अपना सकती है। लेकिन हम उनको विवश नहीं कर सकते कि आपको ये करना पड़ेगा, आपके पास राइट से कि आप एप्लीकेशन कर सके, अपनी बात को रख सके, अनदर बेंच में ले जाने के लिए कह सके जहां पर आप कंफर्टेबल हो। जैसे अब मैं छत्तीसगढ़ में इन पर्सन केस लड़ रहा था, तो इन पर्सन मैंने अपनी पिटीशन तैयार की थी, पिटीशन अपनी इन पर्सन हिंदी में ही किया था प्रेजेंट,
अपनी बातों को मैं हिंदी में ही रख रहा था, लेकिन जो सामने वाले रिस्पोंडेंट थे वो अपना जवाब अंग्रेजी में दे रहे थे, कोर्ट जो है अपने ऑर्डर अंग्रेजी में दे रहा था, तो ये अलग विषय है। तो ये मतलब हम आपको अपना राइट आपको अलग मिला है, उनका डिसीजन लेने का राइट उनका अपना खुद का है। सर अपनी आरटीआई की धारा अपन धारा 5 की बात करते हैं, तो धारा 5 में कुछ सब क्लॉज मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें व्यक्ति मतलब जो पीआईओ है किसी की मदद ले सकता है और उसे मदद लेना है, और लेकिन हर हाल में उसको उसकी जानकारी देना है, उसके लिए उसको यदि किसी और की मदद लेना पड़े तो उसको मदद लेना है, ऐसा नियम में बना है सेक्शन 5.4 और सेक्शन 5.5 में ऐसा मेंशन है। और इसको आप समझिए, पाचर जो है वो केवल डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, इसमें जो 6 का आपने बताया, 6 में स्पष्ट लिखा है कि एप्लीकेशन शैल बी इन इंग्लिश और हिंदी ओनली, तो इसमें यह है कि साथ में एक इस तरह का प्रोविजन जोड़ा सकता है कि पीआईओ इंग्लिश का जवाब इंग्लिश में और हिंदी का हिंदी में देगा, और जो एनेक्स है वो किसी भी भाषा में हो सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के बहुत सारे निर्णय है कि जो एनेक्स जो सूचना है उसका अनुवाद करने के लिए पीआईओ बाध्य नहीं है, तो हर चीज का ट्रांसलेशन यदि वो करने दे तो दैट वुड अमाउंट टू क्रिएशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए वो जो रिप्लाई है कम से कम फॉरवर्डिंग लेटर वो इंग्लिश का इंग्लिश और हिंदी में का हिंदी में दिया जाए, इस तरह का प्रावधान किया जा सकता है। दूसरी बात जो पाचर है, जो असिस्टेंस किसी का भी ले सकता है, वो केवल फॉर प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स और डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट है, क्योंकि पीआईओ के ऑफिस में कोई सूचना नहीं होती है, सूचना अलग अलग ऑफिसर जो जो जिसकी जिसके पटल पे जो जो काम होता है उसके रहती है, और इसलिए वो किसी को भी नोटिस देके वो उनसे कॉल कर सकता है, ये है। उसमें कोई टाइपिंग का असिस्टेंस या वो ट्रांसलेशन का असिस्टेंस या इस टाइप का या फोटोकॉपी का असिस्टेंस, ये तरह की चीजें अभिप्रेत नहीं है। इट इज ओनली फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो कस्टोडियन है उस कस्टोडियन के पास से वो डॉक्यूमेंट लेने का अधिकार केवल 5.4 में उसके पास है। धन्यवाद। हाँ तो सर वही तो बात कर रहा हूँ, जो सूचना भेजते है कि हमको इतना रुपया चाहिए आपको, तो वो तो है ना। हेलो, डॉक्यूमेंट नहीं सर जी, डॉक्यूमेंट हम अंग्रेजी मांग रहे, हम ट्रांसलेटर नहीं मांग रहे, लेकिन जो सूचना दे रहे कि आपकी फलानी सूचना इस कारण से ऐसे 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 इसका कार्यवाही हुई है, तो वो तो हिंदी में देना होगी ना। हाँ वही मैं बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश का इंग्लिश और हिंदी का हिंदी में जवाब कम से कम देना चाहिए, और इसलिए धारा 7 में ऐसा प्रावधान जोड़ा सकता है जैसा 6 में लिखा है, तो उसी तरह से साथी क्या कोई अलग से सबसेक्शन जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आरटीआई इज अ सेंट्रल एक्ट, और ये सेंट्रल एक्ट होने की वजह से उन्होंने इंग्लिश और हिंदी लिखा है उसमें 6 में, क्योंकि ये दो मतलब कोई स्टेट ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर ये भाषा ना चलती हो, तो या तो इंग्लिश चलती है या हिंदी चलती है या कुछ जगह दोनों भी चलती है, लेकिन जो स्टेट लैंग्वेज है वो पूरे इंडिया में नहीं चलती, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है, तो इसलिए जो रिप्लाई देने का जो है डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन जिस तरह से है, तो उसमें धारा 7 में भी ये प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए, ताकि ये एक स्टेट के व्यक्ति भी दूसरे स्टेट से सूचना ले सके और वो उनके समझ में आ सके। धन्यवाद। उत्तराखंड हाईकोर्ट में ऐसे केसेस गए थे, तो उन्होंने बोला कि ट्रांसलेशन करने के लिए पीआईओ बाध्य नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशन में तो मान लो कोई अब तो आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये भी चीजें यूज होती है, और ट्रांसलेशन कोई भी कर सकता है, तो ओनली थिंग इज टू ब्रिंग इट इन पब्लिक डोमेन, प्रकाशन करना है केवल, तो उसमें यह है कि वो पब्लिक डोमेन में जो लाना है वो पीआईओ का कार्य है, उसका ट्रांसलेशन करके दूसरों को समझाना ये उसका कार्य उसमें नहीं माना गया है। ठाकर साहब, मैं एक बार नॉर्थ इंडिया में एक एप्लीकेशन किया था, आरटीआई एप्लीकेशन इंग्लिश में मैंने किया था, क्या के लिए मैं हिंदी लिखना नहीं जानता हूँ, आता नहीं है हमको, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ तो अलग बात है, तो उसमें हम मेंशन कर दिया जो काइंडली रिप्लाई दिस एप्लीकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, तो उसमें हम देखा पूरा रिप्लाई इंग्लिश में ही दिया था, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई लिंक देता है एप्लीकेशन कह देता है हमको हिंदी में लिख सकते हो, दे भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसके लिए केस नहीं किया जा सकता। मेरे ऊपर एक सूचना आयोग में हो गया था कि आप इंग्लिश में सिग्नेचर क्यों करते हैं, मतलब मेरी 42 साल से ये सिग्नेचर है, कैन यू फोर्स मी टू चेंज माय सिग्नेचर, वो चिड़िया भी हो सकती है,
नहीं मैं बता रहा हूँ ऐसा भी केस हुआ है, ऐसे भी लोग होते हैं अहमदाबाद गांधीनगर में जो हस्ताक्षर होता है केवल, अब वो अमुक भाषा में हस्ताक्षर करने के लिए कोई कानून हो तो बताइए कि अमुक भाषा में हस्ताक्षर करने हैं, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। वो केस में जीत गया था, लेकिन ऐसे भी फ्री वाला सबलीगेशन सूचना आयोग पर गई है और ऐसे 46 केस हो चुके हैं मेरे खिलाफ सूचना आयोग में। धन्यवाद। नहीं ऐसा है कि मैंने गुजरात में अहमदाबाद के गांधीनगर में सोसाइटी रजिस्ट्रार है, वहां पर मैंने स्टेम सेल से रिलेटेड जो कारोबार के लिए सोसाइटी बनी थी उससे रिलेटेड जानकारी के लिए वहां पे आवेदन भेजा, कई बार आवेदन लगाया, उन्होंने कई बार जो रिस्पॉन्स है वो गुजराती में दिया। मैंने लिखा कि सर मैं हिंदी भाषी हूँ, मुझे हिंदी में जवाब दिया जाए, हिंदी राष्ट्र की भाषा है, सब कुछ लिखा, कई बार उस पर अपील भी डाला, लेकिन उनके सारे प्रोसीजर गुजराती में ही हूँ। तो मैं क्या बोला, मैं जब उस उनका पढ़ा जैसे दूसरे से मैं समझने की कोशिश किया तो वो एक ही चीज समझ में आया कि वहां पर वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो गुजराती को स्वीकार किया गया है। तो अगर वहां का लोक प्राधिकारी आपको हिंदी या अंग्रेजी में जवाब देने के लिए सहज नहीं है तो आप उसको ये बाध्य नहीं कर सकते कि वो हिंदी या अंग्रेजी में ही दे। ऐसा ही कोई मामला वहां के गुजरात के हाई कोर्ट में भी गया था और वहां पर भी हाई कोर्ट ने इस चीज को समर्थन किया था कि वो गुजराती में जवाब दिया जो वो सही था। नहीं इसमें हमारा जो जितना समझ में आता है 6(1) का वायलेशन होता है, क्या चलिए 6(1) में जो लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए पर्सन हु डिजायर टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट शैल मेक ए रिक्वेस्ट इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन इंग्लिश और हिंदी और इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया इन व्हिच द एप्लीकेशन इज बीइंग मेड। इसका मतलब है जो भाषा में एप्लीकेशन आया उसी भाषा में आपको जवाब देना होगा। इंग्लिश में आया तो आप इंग्लिश में दो, नहीं नहीं तो अगर मान लीजिए मैं हिंदी में लिखा है, मैं बोल दिया मैं हिंदी अलावा कोई भाषा पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता, तो उसको हिंदी में ही जवाब देना है। अगर उसको हिंदी नहीं आता है तो ऑफिस में किसी का तो किसी हिंदी हिंदी भाषी कोई ना कोई रहेगा, उससे उससे लिखा लेगा, इसमें तो दिक्कत का कोई बात नहीं। चाहे वो जानबूझ के परेशान करने के लिए गुजराती में देगा, जो गुजराती भाषा हम जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं देखा नहीं, हाँ ना लिख सकता मैं पढ़ सकता हूँ, तो गुजराती भाषा में अगर कोई जवाब हमको देगा ना देने का बराबर हो गया जो डिनाइल हो गया। आपकी बात सही है और उसमें ऐसा भी है कि देखो जो संसद का अधिनियम है वो शासनादेश के ऊपर है, तो जो लोकल शासनादेश है स्टेट गवर्नमेंट के उसके ऊपर होता है अधिनियम की धारा, लेकिन इसके लिए साथ में प्रावधान करना चाहिए कि जो रिप्लाई है वो भी इंग्लिश या हिंदी में या जिस भाषा में दिया गया हो, यदि वो स्टेट की भाषा है तो उस भाषा में दिया जाना चाहिए, इस तरह का उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। हाँ, कहना है कि जिसको इंग्लिश या गुजराती नहीं मालूम है वो क्या करेगा। सर ऑलरेडी उसमें लिखा है सब साथ में कि जिस प्रारूप में मांगी जाएगी उसी प्रारूप में दी जाएगी, कहने का मतलब वही होता है कि जिस लैंग्वेज में मांगी जाए उस लैंग्वेज में देना है। हिंदी के बारे में तो हम बोल नहीं सकते लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। खुद निकालेंगे अगर हम, देखिए होना चाहिए जो व्यवहारिक तरीका है जो कह रहे हैं हम लोग आप लोग वो सही है, लेकिन अगर कानूनी नजर से अगर इस बात को समझे, जिस चीज की बाध्यता कानून में नहीं दी गई है उसका इंटरप्रिटेशन आप अपने मन से करके, हम ये बात नहीं कर सकते कि भैया उसको जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही करें। हाँ ये तो इंडिविजुअल पर्सन पर हो गया, ये उनका विवेक है, हमको ये बात रखनी चाहिए, ये उनका जिम्मेदारी है। सेक्शन 5(3) जो है पीआईओ के ऊपर बाध्यता देता है कि वो सहयोग करे वहां पे आने वाले एप्लीकेंट, आप इसके आधार पर उनको ये बात रख सकते हैं कि सर पीआईओ सर ये आपकी बाध्यता है कि आप हमारी मदद करें, है ना, आप अपनी बातों को रखें उस आधार पर, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गलत नहीं है, आप इस आधार पर आयोग में भी जाते हैं तो भी गलत नहीं है। लेकिन ये बात कहना कि इस एक्ट में ये लिखा है कि मैंने इंग्लिश में लगाया तो मेरे को इंग्लिश में जवाब मिले, हिंदी में लगाया तो हिंदी में जवाब मिले, ये इसके लिए ये एक्ट बाध्यता नहीं क्रिएट करता है, उनको हमारी मदद करनी चाहिए, जिसके लिए सेक्शन 5(3) का यूज आप ले सकते हैं, अपनी बातों को आप रखें ऐसे, बाकी इंटरप्रिटेशन गलत नहीं निकाला जा सकता लॉ का। एक्चुअली इट इज द ह्यूज डेफिशिएंसी इन दिस एक्ट सो फार आई थिंक। ठक्कर साहब आपका क्या राय है? हाँ जी वो डिफिशिएंसी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेक्शन 7 में जो डिस्पोजल है उसका सबसे प्रथम ये ऐड किया जा सकता है, 1 या सेक्शन 1 ए सबसेक्शन 1 ए जो है,
जिस भाषा में उस भाषा में रिप्लाई दिया जाए यदि वो 6-1 के मुताबिक है तो, क्योंकि 6-1 में तो वो चीज लिखी हुई है लेकिन पीआईओ के लिए वो बाध्यता विधिक रूप से की नहीं गई है, तो इसलिए फिर और फिर ट्रांसलेशन यदि कोई करता है तो फिर इट अमाउंट्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और एनएलडीओ जो होते हैं। विचित्र परिस्थिति है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बात की गई थी जब सोलंकी जी के द्वारा कि आर्टिकल 348 अंग्रेजी में कार्यवाही के लिए बताता है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के उसमें, तो 350 जो है हिंदी को हिंदी दिवस मनाने के लिए भी बनाने की बात रखी जाती है, और आजकल तो हिंदी दिवस में भी लिख के आ जाता है अंग्रेजी भाषा में हैप्पी हिंदी डेज, तो ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो इसका आप क्या करोगे, हिंदी दिवस तो मनाते हैं और जो हिंदी दिवस मनाते हैं बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी दिवस के लिए खर्चे करते हैं लाखों रुपए के करोड़ों रुपए के। देवेंद्र सर हम लोग का एडुकेशन पॉलिसी सेंट्रल लेवल में चेंज करना चाहिए, और एडुकेशन पॉलिसी उस स्टेट लिस्ट में है ना उसको हटा के सेंट्रल लिस्ट में ले जाना चाहिए। साउथ इंडियन बोलता है, साउथ इंडियन जो हमारे साथी हैं जो साउथ इंडियन जो कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं वो बोलते हैं कि हमको तमिल में जवाब मिले, हमको उसमें कन्नड़ में मिले, कई तरीके के हंगामे चल रहे हैं। इसीलिए हमको हमारा 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 जो राय है सर, देवेंद्र सर मेरा जो राय है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए, एडुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटा के सेंट्रल लिस्ट में लाना चाहिए, एक नंबर। दूसरा नंबर है तीनों लैंग्वेज सबको पढ़ना होगा, स्कूल बॉय जो है स्टूडेंट विद्यार्थी पढ़ना होगा। एक सेकंड सर, इंग्लिश मदर टंग आ रहा हूँ सर, इंग्लिश मदर टंग एंड हिंदी, ये तीनों लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी है, और तीनों लैंग्वेज में पास मार्क रहेगा 50 का नीचे होगा तो तू फेल, और सब सब्जेक्ट में तुम अगर पास भी हो गया तो फेल, ये सब सुधर जाएगा दो दिन में, दवाई सही होगा। आशीष नारायण जी, ये काम इंदिरा गांधी ने किया था, 3-language फॉर्मूला इंदिरा गांधी ने पूरे देश में लागू कर लिया था कि इंग्लिश हिंदी और लोकल लैंग्वेज हर स्टूडेंट को पढ़ाई जाए, लेकिन तमिलनाडु जो है वहां पर मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इसका विरोध किया था, और इसलिए तमिलनाडु में की वजह से वो 3-language फॉर्मूला जो आप बोल रहे हैं ये पहले उस टाइम आई थिंक 1971 या उस टाइम की बात है जब ये किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस तरह से इम्पोज नहीं कर सकते और हिंदी हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, और उसकी वजह से तमिलनाडु की वजह से ये पूरा साउथ इंडिया में या पूरे भारत में ये फॉर्मूला लागू हो नहीं पाया, तो पहले ऐसा प्रयास किया गया था। जहां तक एजुकेशन पॉलिसी की बात है तो जो अभी NEP 2020 है उसमें ये ऑलरेडी आ गया है कि इंजीनियरिंग का एजुकेशन है वो भी लोकल लैंग्वेज में किया जा सकता है, IIT 6 language में पढ़ा रही है। हाँ वैसे क्या होता है तो डॉक्टर भी वैसा बनता है और इंजीनियर भी वैसा बनता है। मैंने सिविल कंस्ट्रक्शन में नेशनल हाईवे में बहुत साल काम किया सर, तो उसमें हम ऐसा इंजीनियर देखा है जिसका सही ढंग से एक मीडियन का मेजरमेंट नहीं आता है, लेकिन इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री उसके साथ है, वो अपना मदर टंग में पढ़ के आया है, खाली पास करने के लिए पढ़ा है, खाली डिग्री के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए प्राइवेट कॉलेज से पास करके आया है, उसका पास इंजीनियरिंग का एक डिप्लोमा या डिग्री है, वो मेजरमेंट के लिए सीनियर सुपरवाइजर को रिक्वेस्ट कर रहा है सर आप थोड़ा मेजरमेंट करके सही बताओ, अगर गलत हो गया तो PM हमारा चमड़ा उखाड़ देगी, तो ऐसा इंजीनियर का दरकार नहीं है देश में, सीधी बात है। ये जो चेंजेस है ये एजुकेशन के माध्यम से लाए जा सकते हैं, कानून के माध्यम से इसको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको पॉलिसी में डाला गया है कि ये कई साल इसमें लग जाते हैं, और अभी तक देखो अभी तक इंजीनियरिंग में स्ट्रिक्टली कहा था कि आप इंग्लिश के अलावा किसी भाषा में पढ़ा नहीं सकते, पहली बार ये रिस्ट्रिक्शन 2020 में हमारे ऊपर से हटाई गई है, तो अब हम किसी भी भाषा में, क्योंकि नॉर्थ इंडियन स्टेट में मैं रहता हूँ और यहाँ पर तो हम बच्चों को हिंदी में पढ़ाते ही है, लेकिन जो इंग्लिश टर्म्स है जो किताबों का अनुवाद है ये एक बहुत बड़ा कार्य है, और इसलिए फिर इसमें लाखों टीचर्स की आवश्यकता है, तो ये रिस्ट्रिक्शन पहली बार हटाई गई है, और अब IIT में भी 6 भाषाओं में इंजीनियरिंग पढ़ाया जा रहा है, उसी तरह से जो बाकी लैंग्वेजेस बाकी जो है इंजीनियरिंग के अलावा मेडिकल है, लीगल एजुकेशन है, और भी जो स्ट्रीम है, तो उसमें भी सब में ये जो कंपल्शन है ये 2020 में ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि जो लोकल भाषा है इनको बढ़ावा दिया जाएगा, और कोई भी किसी भी भाषा में लोकल भाषा में भी कोई भी टीचर पढ़ा सकता है। तो इसका मतलब है जो सो विद्यार्थी है इसका एकदम टंगड़ी तोड़ दो, कहा गया मान लीजिए जो लोकल भाषा में पढ़ के IIT पास किया, मैं मान लेता हूँ IIT पास हो गया, वो हिंदुस्तान का बाहर कहीं भी काम नहीं कर रहा, कोई फॉरेन कंपनी में काम नहीं होगा, वहाँ तो हिंदी में नहीं चलेगा, उसके इंग्लिश करना होगा। आपको आशीष जी मालूम है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो MBBS की पढ़ाई है उसके लिए हिंदी का पाठ्यक्रम कोरिकुलम जो है जारी कर चुका है लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर से जो है वहां पे MBBS की पढ़ाई हिंदी भाषा की उसमें हो रही है,
समस्या तो वही है, मैं तो वही कहना चाहता हूँ घुमा फिरा के, कि अभी देखिए इंजीनियर डॉक्टर में वही लड़का लोग जाता है जो थोड़ा मेरिटोरियस है, सबके लिए इंजीनियरिंग डॉक्टर ही नहीं है। अभी लास्ट बेंच में जो बैठता था पूरा स्कूल लाइफ में लास्ट बेंच में था, कोई सब्जेक्ट में 30 से ज्यादा ऊपर नहीं उसको नंबर मिला है, उसको भी वो भी डॉक्टरी में चांस मिल जाता है उसको। ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी क्या करते हैं सरकार, सब डॉक्टर बन जाओ, कि डॉक्टर बनने के बाद आपको हमको मार देगा, जाएगा इलाज कराने के लिए ऐसा उल्टा सीधा दवाई दे देगा, खाते रात में राम राम सत्ता है। मैंने अभी मुद्दा उठाया था और उस पर बाद में जो है नेशनल कमीशन तक वो मैटर चला था छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए एडमिशन ले रहे थे उसमें चार चार बार फेल हो गए, सेकेंड ईयर में 3 बार फेल हो गए, मतलब कई सालों से वो एमबीबीएस कर ही रहे हैं। और ऐसे लोग अगर वो निकलेंगे पढ़कर तो हमारे देश के लिए कितना अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है। एकदम बिल्कुल सर, लास्ट 6 महीने पहले ही नेशनल कमीशन ने एक ऑर्डर निकाला है कि एमबीबीएस के लिए मैक्सिमम 9 इयर्स में आपको एमबीबीएस क्लियर करना ही होगा। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट 9 इयर्स दिया है, मतलब दैट मीन्स आप 4 बार फेल हो सकते हो, तो अब 4 बार तक फेल होने की अनुमति रहेगी, उससे ज्यादा नहीं। और एक अभी नया रेगुलेशन हमारे स्टेट में और पास किया है कि आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं या एमबीबीएस के फाइनल पर हैं तो आपको, अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपको 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और इंटर्नशिप जो है 2 साल की है, अगर 2 साल की आप इंटर्नशिप नहीं करते हो तो आपको 50 लाख रुपए पे करना पड़ेगा ग्रामीण एरिया में अगर इंटर्नशिप नहीं करते हो। तो इसमें क्या होगा, ये जो डॉक्टर, ये सब जो डॉक्टर 4 बार 5 बार फेल करने के बाद जो डॉक्टर बनेगा, इसको शादी करने का टाइम फायदा मिलेगा, बहुत सारा दहेज मिलेगा, 3-4 तालाब मिलेगा, 3-4 केजी सोना मिलेगा, 1-1.5 करोड़ रुपया नगद मिलेगा, इसमें फायदा होगा। लेकिन कोई बता रहा है, बहुत बड़ा स्कैंडल बता रहा हूँ मेडिकल इश्यूज का। जैसे ही बच्चा है नीट क्लियर करता है, नीट क्लियर करके जैसे ही उस नीट में अच्छे रैंक्स लेके आता है, वो आता है जितनी भी ये फार्मेसी कंपनी है या कुछ है, इन बच्चों को घेरना चालू कर देती हैं। और इन बच्चों को क्या करती है कि हम तुमको पढ़ाने के लिए ये देंगे, हम तुमको वो फैसिलिटी देंगे, कईयों को तो कार खरीदवा देती है, कईयों की गाड़ी खरीदवा देती है, कईयों के लंच पर खर्चे करती है, और उसको कर्ज में अपने इतना डुबो देती है कि वो डॉक्टर बनने के बाद क्या करेगा, आप समझ सकते हैं। ये आजकल का एक नया फंड है। मेरा सिटी में एक लड़का को, मेरा मेरे से थोड़ा जूनियर था, उसको हम अच्छी तरह से जानता था, वो जब तक स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में कभी भी वो कोई भी सब्जेक्ट में मतलब विदाउट ग्रेस मार्क पास नहीं हुआ था, ठीक है, हाँ अच्छी तरह जानता हूँ मैं पर्सनली, मैं उसको जानता था। अचानक एक दिन देख रहा हूँ, मेरा यहाँ 2-3 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, देखता है वो प्राइवेट कॉलेज से निकल रहा, तो बोला ए तू यहाँ क्या कर रहा रे, ए चुप चुप चुप, मैं कॉलेज में भर्ती हुआ हूँ। मतलब तू तो जिंदगी में कभी साइंस में पास नहीं किया था, भर्ती कैसे हो गया, ऐसा मत बोलो दादा, मैं पिस्टिक पंचर है, सब दोस्त लोग है। अच्छा ठीक है, नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन तू इंजीनियर होने का बात क्या हाल करेगा। आशीष नारायण जी और देवेंद्र जी, अपन इन डिस्कशन को ज्यादा अपन थोड़ा सा प्रोफेशनल तौर पर ही फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है, कभी कभी हमारा डाइवर्ट होकर के इधर गॉसिप टाइप में बन जाता है, वो ठीक नहीं रहेगा। और लोग हैं थोड़ा सा आरटीआई से संबंधित, यदि आप लोगों के कुछ और ओपिनियन हो तो। इंजीनियर पवन कांत जी, क्या है आपका कुछ प्रॉब्लम है, आपने हैंड रेज किया, कुछ बोलना चाह रहे हैं अभी बोलिए। सर मैं पवन कांत मेहतराम एमपी बालाघाट से बोल रहा हूँ। इस आरटीए के तहत जिस तरह से अभी चर्चा चल रही थी कि जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसमें जवाब यानी दी जाए करके, आप एक चीज और सोचिए कि आरटीए में जो जानकारी जिस जैसा है, मतलब जिस लैंग्वेज में अगर कागजी कार्रवाई हुई है उस लैंग्वेज के तहत वो दस्तावेज में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हुए वैसा ही देने का प्रावधान है। जब मान लीजिए कि कोई आरटीए कार्यकर्ता ने वो एटीडीज यानी छत्तीसगढ़ का है या एमपी का है, उसने गुजरात में आरटीए लगाया या तमिलनाडु में लगाया, तो अब तमिलनाडु के जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको प्रावधान है हिंदी इंग्लिश और क्षेत्रीय लैंग्वेज में कार्य करने का। अब जब वो क्षेत्रीय लैंग्वेज पे अगर वहां पे तेलुगु में अगर ड्राफ्टिंग या कुछ भी लेखा मतलब कार्य किया गया है या गुजरात में गुजराती में किया गया है, जब वो जानकारी चाह रहा है और जो वहां के लोक सूचना अधिकारी द्वारा जवाब दिया गया है उससे तो गुजराती और मान लीजिए कि तमिलनाडु का तमिल अगर नहीं समझ पा रहा है तो फिर वो जो जानकारी लेके उसको एनालिस्ट कैसे करेगा, ये भी एक इश्यूज बनता है, क्वेश्चन बनता है।
सर इसीलिए 348 में ये व्यवस्था करी गई थी कि द्विभाषा में कोई भी कार्रवाई दो दो भाषाओं में होगी, एक भाषा में नहीं होगी। ये 348 में पहले ही कर दिया गया व्यवस्था। आप यदि 348 को 12 की पद से पढ़ोगे तो उसमें अनुच्छेद में यही लिखा है कि आपको अंग्रेजी में भी शैल यानी अनिवार्य रूप से उसको ट्रांसलेट करना है, उसको हर चीज को, ताकि द्विभाषा में उसका इस्तेमाल हो सके। क्योंकि कोई और अन्य प्रांत का व्यक्ति यदि जानकारी चाहना है तो वो उसको मिल जाए। सिंगल भाषा को प्रतिबंधित किया गया है 348 में। यदि हम 348 को, हेलो सर, जो आपका कहना है बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो क्षेत्रीय लैंग्वेज पे अपनी जो डॉक्यूमेंट्स यानी कागजी जो कार्रवाई है वो सबसे ज्यादा करती है, तो उस तहत यानी वहाँ पे लैंग्वेज जो है चेंज नहीं होता है। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, अंग्रेजी में कंपलसरी है, कंपलसरी अंग्रेजी में भी उनको वो चीज निकालना है। जो भी गजेट निकलता है, जो भी कुछ होता है, उसको अनिवार्य रूप से अंग्रेजी भाषा में भी निकालना है। ये उद्देश्य इसलिए रखा गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि सिंगल भाषा पे आके अटक जाए काम। इंसान को पारदर्शिता के लिए कम से कम दो भाषाओं का इस्तेमाल करने के लिए 348 में कहा गया है। 348 केवल संसद के अधिनियम और जो असेंबली के बिल्स है और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे तक सीमित है। वो रूटीन ऑफिस वर्क के उसमें कुछ भी प्रावधान नहीं है। उसमें केवल ये लिखा है कि जो बिल है, ऑर्डिनेंस है, गवर्नर के या राष्ट्रपति के जो अध्यादेश है उन पर ये 348 लागू होता है। जो डे टू डे वर्क है उसके नीचे जो भी ऑफिस है उसमें दो लैंग्वेज में काम होगा, इस तरह का कहीं नहीं लिखा है। कहीं हो प्रावधान तो बता दीजिए। 348 एक में भी नहीं है, 348 टू में भी नहीं है, 348 तीन में भी नहीं है। पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल बिल्स टू बी इंट्रोड्यूस। मतलब जो बिल संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे हम और अमेंडमेंट देयर टू बी मूव्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इन द हाउस और आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट। तो यहाँ पर असेंबली और पार्लियामेंट की बात हो रही है, ऑफिस दूसरे ऑफिसर्स की बात नहीं हो रही है। ऑफ ऑल एक्ट्स पास्ड बाय पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट एंड ऑफ ऑल ऑर्डिनेंसेस प्रोपलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। यहाँ सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात हो रही है, उसके बाकी की बात नहीं हो रही है। ऑफ ऑल ऑर्डर्स रूल्स रेगुलेशंस एंड बायलॉज इशूड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो ऑर्डर्स रूल्स और रेगुलेशंस है ये दोनों ये वो इंग्लिश भाषा में रहेंगे। इशूड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है इसमें शासन आदेश भी होते हैं, रूल्स भी होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो सबसे ऊपर संविधान है, उसके नीचे एक्ट होते हैं, एक्ट के नीचे रूल्स होते हैं, रूल्स के नीचे रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेशंस के नीचे नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन के नीचे गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं। तो ये जो है वो इंग्लिश में करने का इसमें कहा गया है। उसके बाद है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन सब क्लॉज ए और ऑफ क्लॉज A1 द गवर्नर ऑफ ए स्टेट में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑथोराइज द यूज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। मतलब राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेने के बाद हिंदी को अलाउ कर सकता है अपने स्टेट में और एनी अदर लैंग्वेज यूज फॉर एनी ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द स्टेट। हिंदी के अलावा और किसी लैंग्वेज को भी अलाउ कर सकता है। इन प्रोसीडिंग्स इन द हाई कोर्ट हैविंग इट्स प्रिंसिपल सेट इन दैट स्टेट हाई कोर्ट में भी अलाउ कर सकता है। Provided that nothing in this clause shall apply to any judgment, decree or order passed or made by such high court. मतलब एक ही प्रशासनिक भाषा लोकल हो सकती है, जजमेंट जो रहेंगे क्योंकि जजेस के ट्रांसफर होते रहते पूरे भारत में, तो जो जजमेंट डिग्री या ऑर्डर कोर्ट के वो हाईकोर्ट के वो इंग्लिश में ही रहेंगे। नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज वन वेयर द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट हैज प्रिस्क्राइब्ड एनी लैंग्वेज अदर देन द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर यूज इन बिल्स इंट्रोड्यूस इन और एक्ट्स पास्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। कि जहां पर जो नियम पारित किए जाते हैं या अध्यादेश लाया जाता है, क्योंकि आगे अध्यादेश भी लिखा है, तो ये एक्ट पर और बिल्स पर लागू होता है। और इन ऑर्डिनेंसेस प्रोवोकेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट और इन एनी ऑर्डर रूल रेगुलेशन और बाय लॉ रेफर टू इन पैराग्राफ 3 ऑफ दैट सब क्लॉज इट ट्रांसलेशन ऑफ द सेम इन द इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट शैल बी डीम्ड टू बी द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट देयरऑफ इन द इंग्लिश लैंग्वेज अंडर दिस आर्टिकल। मतलब जहां पर अनुवाद किया जाता है और एक से ज्यादा भाषाओं में कोई चीज बनाई जाती है दो भाषा में, तो जो इंग्लिश में है वो अथॉरिटेटिव माना जाएगा, जो हिंदी में या लोकल भाषा में है वो अथॉरिटेटिव नहीं माना जाएगा। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है कि एक भाषा में क्या लिखा है दूसरी भाषा में क्या लिखा है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की जो प्रक्रिया है उसमें जो इंग्लिश में लिखा गया है वही मान्य होगा। ये इसमें लिखा है ना,
आप 348 की जो पहली लाइन पढ़ रहे हो उसमें ईटीसी का मतलब क्या होता है? बिल्स के बाद लिखा है ईटीसी एटेस्ट्रा। हेलो ये सिर्फ टाइटल है, एटसेट्रा में ऑर्डिनेंस वगैरह आ जाते हैं जो नीचे है ना, उससे उससे ज्यादा चीज आप शब्द अपने मन से जोड़ नहीं सकते, एटसेट्रा में ऑर्डिनेंस वगैरह आ जाते हैं क्योंकि 348 से टाइटल टाइटल लाइन जो है टाइटल कांट बी वेरी बिग, टाइटल में ही सब कुछ लिख देंगे तो फिर अंदर सेक्शन में क्या लिखेंगे? जो आर्टिकल में लिखा, आर्टिकल में जो लिखा है उससे ज्यादा वर्ड हम उसमें नहीं अपने मन से डाल सकते हैं, उसमें एटसेट्रा का अर्थ यहाँ पे ऑर्डिनेंस होता है और ऑर्डिनेंस में इसमें ये नहीं, ऑर्डर रूल्स रेगुलेशंस एंड बायलॉज ये भी एटसेट्रा में आता है, तो एटसेट्रा का मीनिंग बहुत स्पष्ट है, पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ के बता दिया। एटसेट्रा में ऑर्डिनेंस भी आता है, ऑर्डर्स आता है, रूल्स आता है, रेगुलेशंस आता है और बायलॉज आता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एटसेट्रा। ठीक है, अब आपका जो आपने पढ़ा कि भैया अंग्रेजी का मान्य होगा, तो अंग्रेजी का मान्य होने का मतलब ये नहीं होता कि क्षेत्रीय भाषा का अमान्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होता उसका अर्थ। आप ठीक कह रहे हैं सोलंकी जी, मैं आपकी बात की समर्थन पे एक और आपको आर्टिकल देता हूँ, 343 संघ की राजभाषा के लिए बना है, संघ की राजभाषा में लिखा हुआ है, मैंने अभी आपके कारण से देखा और पढ़ा और खोजा, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब देश आजाद हो रहा था उस आजादी के 15 साल तक जो है अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना था राज्य संघ की भाषा के तौर पे, उसके बाद जो है उसको हिंदी में कन्वर्ट किया जाना था। ये बात अगर आप आर्टिकल 343 पढ़ेंगे तो ये बात आती है। इसी तरीके से आर्टिकल 210 जो राज्यों की राजभाषा विधानमंडल की राजभाषा के लिए होता है वहां पर भी इस बात का उल्लेख होता है कि 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमंडल के कार्य राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किए जा सकेंगे। तो आपका जो कहना है ना कि 348 में खाली अंग्रेजी नहीं है, तो मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं और मैंने इसी बात को समर्थन करते हुए आपको पहले भी समझाया और बताया कि आपको वहां पर जो हिट्स आप जो बोल रहे हैं ना ईटीसी जो उसके अतिरिक्त हो सकता है वो आपको अतिरिक्त होने का विंडो देता है ना। भारत में संघ सरकार की व्यवस्था में सिर्फ दो ही भाषाओं को ये व्यवस्था मिलती है, वो है हिंदी और एक दूसरी अंग्रेजी। राज्यों को अपने स्थानीय लोकल लैंग्वेज को अन्य भाषाओं में भी लेने की छूट मिलती है, ठीक है, लेकिन वो ले रही है या नहीं ले रही है या किस भाषा में कम्युनिकेशन किया जाएगा ये इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया गया। तो जब बाध्य नहीं किया गया है तो उसको आप बाध्य बिना संशोधन लाए या एक्ट में किसी तरीके का बदलाव किए बगैर नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसमें जो ईटीसी शब्द है ये इंग्लिश हिंदी एटसेट्रा नहीं है, इसमें ईटीसी है एक्ट्स बिल्स एटसेट्रा, तो इंग्लिश हिंदी एटसेट्रा नहीं है, इसमें लिखा है कि एक्ट्स बिल्स एटसेट्रा, तो यहाँ जो अर्थ है वो एक्ट्स और बिल्स के अलावा क्या क्या चीजें हो सकती है सोलंकी जी की, तो उसमें ऑर्डिनेंस ऑर्डर रूल्स रेगुलेशंस एंड बायलॉज आते हैं। सोलंकी जी की बात बिल्कुल जायज है सर, उसको नकारा नहीं जा सकता, इंग्लिश हिंदी एटसेट्रा नहीं है, अंग्रेजी बॉन्डेड नहीं है लेकिन ये बात भी नहीं है, ये उनके हाँ। अरे संविधान दो भाषा में लिखा गया है, यानी संविधान की मंशा ये है कि एक से अधिक भाषा। सोलंकी सर बात को खत्म कीजिए क्योंकि एक बात आपकी क्लियर है कि आपका कहना एकदम सही है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया और अंग्रेजी और हिंदी दोनों मान्य है, लेकिन ये कोर्ट का विवेकाधिकार है, ये संसद का, जैसे संसद चलती है संसद में हिंदी में भी बहस होती है अंग्रेजी में भी बहस होती है, तो ये विवेकाधिकार संसद के अध्यक्ष का है, वहां पे बैठे हुए संसद का है, संसद को क्या रोक सकते हैं क्या कि आप हिंदी में मत अंग्रेजी में ही बोलिए या आप कन्नड़ में मत बोलिए तमिल में मत बोलिए, उनको नहीं रोका जा सकता। तो वहां पे भले वो अपना जो कानून बनाते हैं या कोई ड्राफ्टिंग लेते हैं वो अंग्रेजी में लेते होंगे, अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी लेते होंगे, लेकिन किसी चीज की बाध्यता नहीं है कि आपको अंग्रेजी ही, सारे संसद को अंग्रेजी में ही बात करनी है, सारे संसद को हिंदी में ही बात करनी है। इशू तब आता है जब सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि हमारी भाषा अंग्रेजी है, हम अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा में हाईकोर्ट के लिए, क्योंकि जजेस पूरे भारत में ट्रांसफर होते रहते हैं, इसलिए प्रावधान 348 अलग से जोड़ा गया है 343 होने के बावजूद। कई बार जजों ने इस बात को क्लियर कर चुके हैं
कि जो शब्दों के परिभाषाएं हैं वो बदलती रहती हैं क्षेत्रीय भाषाओं के और शब्दों के अनुसार में। अंग्रेजी को वो ज्यादा इजियर समझते हैं क्योंकि ब्रिटिश क्वींस का जो कानून हमारे देश में चलते हुए आया था पहले मजिस्ट्रेट की, वो पुरानी व्यवस्थाएं, पुराने एक्ट, पुराने चीजें आज भी हमारे पास रेगुलर है, उसको हम खत्म नहीं कर पाए क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था भी अब उसी चीज में कन्वर्ट हो गई है। और हमारी शिक्षा व्यवस्था में अगर आज के बच्चों को देखोगे, आप बेंगलोर चल जाइए, पुणे चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, आपको बच्चे अंग्रेजी में बात करने में ज्यादा सहज नजर आएंगे। उनको बोल दोगे 79 कितना होता है तो उनको ये नहीं मालूम 79, वो 69 को ही बोलेंगे, 79 को ही बोलेंगे, 89 को ही बोलेंगे। तो आजकल के बच्चों को तो हिंदी अंग्रेजी का विरोध नहीं है, अंग्रेजी का विरोध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 348 का मीनिंग हिंदी को प्रतिबंधित करने में लगाया हुआ है। प्रतिबंधित करने में नहीं लगाया हुआ है, आप अभी कुछ साल के डिसीजन को ही खोजेंगे तो एक या दो जजों का मेरे को अच्छे से याद है उन्होंने अपना पूरा, देखिए प्रतिबंधित नहीं किया, राज्यपाल को बोला है कि राज्यपाल चाहे तो अलाउ कर सकता है राष्ट्रपति से अनुमति लेके। अलाउ क्या करना, वो तो अलाउ ही है ना, वो अलाउ क्या करना है, वो तो अलाउ ही है, जब प्रतिबंधित नहीं है। ऐसा नहीं है, उसमें प्रक्रिया 343(3) देखिए कि राष्ट्रपति से अनुमति लेके राज्यपाल अलाउ कर सकता है। 348(2) और 3 मैंने जो बताया ना वो आप देख लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति लिखा है तो ये देखिए, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1A में कोई भी बात के रहते हुए भी, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट मे विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसमें एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नर राष्ट्रपति को बाईपास करके अपने लेवल पे भी नहीं कर सकता है, ऑथोराइज द यूज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज। अब इसमें हिंदी के अलावा और भी कोई लैंग्वेज कर सकता है, फॉर एनी ऑफिशियल पर्पजेस ऑफ द स्टेट, मतलब राज्य के किसी भी ऑफिशियल पर्पज के लिए अलाउ कर सकता है, इन प्रोसीडिंग्स इन द हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट के लिए भी कर सकता है, हैविंग इट्स प्रिंसिपल सीट इन दैट स्टेट, और फिर इसमें परंतु भी दिया गया है। हाँ सर, इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के बिना अनुमति के अंग्रेजी बंद नहीं की जा सकती, इसका मतलब ये होता है। अंग्रेजी भाषा, हम अंग्रेजी को बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोकल भाषा को अलाउ करने की बात कर रहे हैं, नहीं वो दो अलग अलग इशू। अलाउ मतलब यही होता है कि हिंदी अलाउ कर देने का मतलब ये नहीं होगा कि अंग्रेजी को बंद कर दिया जाए, और अंग्रेजी को यदि बंद करना है तो उसके लिए फिर स्पेशल संविधान लाना पड़ेगा। उसका मतलब यह मनसा यही है कि दो भाषा वापरी जाए, एक सिंगल भाषा ना वापरी जाए। इसमें ये नया संविधान लाए ना लाए, लेकिन ये कि जो ऐसा होता है कि संशोधन किया जा सकता है, उसमें ये नहीं कि पूरा संविधान ही बदलने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये कि संशोधन लाना पड़ेगा यदि आप जो बोल रहे हो उस तरह से करना है तो। भाषा को बदलने के लिए या भाषा को चालू करने के लिए या भाषा को बंद करने के लिए किसी भाषा को, जैसे केवल राज्यपाल को आवेदन कर सकते, राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति लेके अलाउ कर सकता है। तो अलाउ कर सकता है, कई किए भी है, पूरे भारत में अलाउ किया, हर जगह लोकल लैंग्वेज चलती है, ये सब राष्ट्रपति से अनुमति लेके ही किया गया है। और आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती है, इन पर्सन आप केस लड़ रहे हैं, तो आपको कोई भी कोर्ट, चाहे सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों ना हो, वो आपको आपकी पिटीशन हिंदी में रखने के लिए, बहस हिंदी में करने के लिए नहीं रोक सकती है क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन जो वहां पे जो जजेस खड़े होते हैं, जो जजेस के सामने जो वकील खड़े होते हैं, वो ऐसा अगर बोले कि उनको अंग्रेजी नहीं आती है, तब बात कुछ शायद बने। मुद्दे की बात ये है कि देवेन जी, वकील वहां खड़े होते हैं उनको मालूम है। देवेन जी, हमारे बीच में काफी समय से आत्मदीप सर भी जुड़े हुए हैं, तो आत्मदीप सर यदि आप कंफर्टेबल पोजिशन में है तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ आज के टॉपिक के विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें। नमस्कार सभी साथियों को। सर नमस्कार, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ, वीडियो मैंने ऑफ किया हुआ, मैं आज केवल सुनने के मूड में हूँ, और अभी ऑन किया है मैंने, तो पहले क्या चर्चा हो गई वो भी पता नहीं, तो अच्छी चर्चा चल रही है, इसको जारी रखिए प्लीज, आज सुनते हैं, अगली बार से फिर तैयारी के साथ बोलेंगे। ठीक है सर, ओके। मनीष बिष्ट जी, आपका क्या कुछ प्रश्न है, क्या है, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मनीष बिष्ट जी, अनम्यूट क्रॉस लगा है आपके। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? आ रही। हेलो
आ रही है आपकी आवाज मनीष जी? हाँ नमस्कार सर, मैंने एक प्रश्न पहले भी यहाँ पूछा था, तो इस विषय में मैं थोड़ा सा इस पे और क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ। मैं इस विषय पे क्लेरिफिकेशन देवेंद्र अग्रवाल सर से और वीरेंद्र सर से चाहता हूँ। सर मुझे, मैंने एक लोक विभाग प्राधिकरण में एक शिकायत दी थी, तो शिकायत के विषय में कुछ दिनों बाद जो संबंधित अधिकारी था उसने मुझे एक मुझे एड्रेस किया, एक सरकारी पत्र को फोटोकॉपीड लेटर उसने मुझे एड्रेस किया उस विषय में। तो उसके बाद तो मैंने उसको फोन से अनुरोध किया था कि जो आपने ये मुझे पत्र दिया है, और उस संबंधित पत्र में उसने जो मेरी शिकायत थी उसने चेतावनी दी थी अपोजिट पार्टी को, और मुझे भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए कॉपी भेजी थी। तो मैंने उसको बोला था कि भाई ये कॉपी जो आपने मुझे भेजी है सरकारी पत्र की, इसके आप मुझे इंक साइंड कॉपी मुझे आप उपलब्ध कराएं, या इसमें एक स्टेप मार के दें अगर ये जीरोक्स कॉपी है तो, क्योंकि मुझे एड्रेस की गई है आपके सिग्नेचर पे। तो फोन से भी उन्होंने इसके लिए मुझे डिनाई कर दिया। तो संबंधित जो अधिकारी थे उनको मैंने उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी में, जिसने जिस अधिकारी ने मुझे साइन करके पत्र दिया एड्रेस किया था, तो उनको मैंने 28 जनवरी 2023 को उनकी मेल आईडी में ये पत्र वापस डाल दिया उसकी फोटोकॉपी की, मुझे आपके कार्यालय से ये पत्र प्राप्त हुआ, इसकी आप मुझे इंक साइंड कॉपी दीजिए या फिर थप्पा मार के कॉपी दीजिए। उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके एक हफ्ते बाद मैंने संबंधित अधिकारी को रजिस्टर्ड पोस्ट भी किया कि महोदय जी मुझे आपके कार्यालय से ये पत्र प्राप्त हुआ, इसके आप इंक साइंड या इस पे थप्पा मार के कॉपी दीजिए। इस उस पे भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके दो महीने बाद मैंने उनको और अनुरोध किया इस विषय में, उसके बाद भी उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर मैंने आरटीआई लगाई है, आरटीआई में जो उन्होंने पत्र मुझे एड्रेस किया था और उसमें जो कंटेंट थे, उसका जो कंटेंट था मतलब टाइटल ये था मेडिकल चिकित्सा में लापरवाही और पैसे लिए जाने के विषय में, मेडिकल चिकित्सा में लापरवाही और पैसे लिए जाने के विषय में। तो मैंने, उन्होंने जो 5-6 पॉइंट पे चेतावनी दिया था, तो मैंने 5-6 पॉइंट पे उनसे जस्टिफिकेशन आरटीआई में मांगा कि भाई कौन कौन सा रूल आपका वॉयलेशन हुआ, एग्रीमेंट कौन कौन सा इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं इसमें वॉयलेशन हुआ है रूल का, ये सब आप मुझे बताएं। तो उन्होंने फिर आरटीआई में जो जानकारी दी, जो मैं जानकारी उन 5-6 पॉइंट पे मेडिकल चिकित्सा में लापरवाही और कैशलेस सर्जरी में पैसा लिए जाने जो उसका टाइटल था उससे जानना चाहा, तो उसमें उन्होंने मुझे आरटीआई में उसकी गोलमोल जानकारी दे दी। इस विषय टाइटल को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था आरटीआई में, लेकिन उस विषय में उन्होंने मुझे गोलमोल और भ्रामक जानकारी दी थी। तो मैंने फर्स्ट अपील लगाई। अब जब मैंने फर्स्ट अपील लगा दी है, तो फर्स्ट अपील में जो संबंधित फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी था उन्होंने जो डिसीजन उनका दिया है, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको जो संबंधित कार्यालय विभाग या पीआईओ है उसकी आपको मैं साइंड कॉपी दे रहा हूँ ये। अब उस साइंड कॉपी में जो संबंधित लोक सूचना अधिकारी है, जो विभाग है, वो डिनाई कर रहा है कि मैंने तो ऐसा कोई पत्र भेजा ही नहीं है। तो अब मैं इस पे सर क्या रेमेडी ले सकता हूँ? हेलो, ऐसे एक चीज एकदम क्लियर है कि जब भी किसी को कोई पत्र भेजा जाता है या पत्र दिया जाता है, जवाब दिया जाता है, तो जो शीर्षक में जो पहला व्यक्ति होता है जिसको प्रति के तौर पे प्रथम प्रति दी जाती है, जिसको इंगित किया जाता है, उसको हमेशा मूल प्रति ही भेजी जाती है अगर कवरिंग लेटर की बात की जाए तो। ठीक है, कवरिंग लेटर के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी को अपना नाम, पता, कार्यालय की पता और संपर्क का विवरण अगर वो उनका हो तो ये देना चाहिए। ये एक साधारण सी प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। इसके अंदर में कोई सत्यापन जैसे या अटेस्ट जैसे शब्दों का सील लगा होना ये आवश्यक नहीं होता। अदर देन आरटीआई फीचर वो इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी प्रति है, अगर कवरिंग लेटर के अतिरिक्त कोई भी प्रति है तो उसमें ट्रू कॉपी नहीं, सर्टिफाइड कॉपी नहीं है ना, सर्टिफाइड कॉपी का, प्रमाणित प्रति का सील लगा होना, सूचना के अधिकार के तहत दिया जाना, जिस व्यक्ति ने उसको सूचना के अधिकार देने के लिए दिया है उसमें या तो आरटीआई था या कार्यालय के सर, जो मुझे लेटर मिला था वो एक नॉर्मल अदर देन आरटीआई मुझे वो लेटर मिला था, इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी कि मेरी शिकायत पे क्या क्या किया गया, वो नॉर्मल अदर देन आरटीआई। आपको एक रिस्पॉन्स किया गया था आपके आवेदन के ऊपर,
जो रिस्पॉन्स आरटीआई आवेदन नहीं था, आरटीआई आवेदन नहीं था सर, वो शिकायत की गई थी। शिकायत के 7-8 महीने बाद उसने एक नॉर्मल क्या आप पे एक्शन दिया गया, वो उसने मुझे लेटर दिया था, उसमें उसने संबंधित जो बॉडी थी, मैटर नहीं है ये। हाँ आरटीआई, फिर बाद में आरटीआई लगाई थी इस विषय में। आरटीआई का अगर मैटर नहीं है, कोई शिकायत हुई है, शिकायत के अंदर अगर कोई जांच हुई है या जांच के तथ्यों को दिया जा रहा है या जांच के संबंध में जवाब को दिया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें शीर्षक में किसका नाम दिया होगा। अगर शीर्षक में अपोजिट पार्टी का दिया था, दूसरे पार्टी को अगर शीर्षक किया है, तो वो जो मूल प्रति, क्या होता है किसी विभाग में जो कॉपी बनती है 4-5 हिस्सों में बनती है, एक ओसी रहती है ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, जो हमेशा शीर्षक वाले व्यक्ति को दी जाती है, फिर नीचे में जितने प्रतिलिपि में जितने भी लोगों का नाम होता है उनको फोटो कॉपी ही भेजी जाती है। अच्छा सर, तो इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि आपको मूल प्रति नहीं मिली है। अगर आपको मूल प्रति नहीं मिली है तो आप आरटीआई लगा के उसको प्रमाणित प्रतिलिपि में मांग सकते हैं, उस समय वो देने के लिए विवश रहे। मुझे प्रतिलिपि हुई थी, तो मैंने इस विषय में फिर आरटीआई लगाई थी कि आपको छाया प्रतिलिपि या जीरोक्स कॉपी ही भेजे होंगे और ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है। अगर आपका नाम शीर्षक में है, मुख्य व्यक्ति में आपका नाम है प्रथम, जैसे मुख्य व्यक्ति में भी कई बार 3-4 लोगों का नाम होता है, तो जो उसमें सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है, प्रथम व्यक्ति होता है, उसको मूल प्रति जाती है, ऐसा व्यवहारिक तौर पे माना जाता है। लेकिन सर जब मैंने उसको इस विषय में आरटीआई, हेलो सर, आपकी प्रॉब्लम अभी क्या है इस पे देखिए, आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मेन उद्देश्य अभी आपका चाहिए। एग्रीड एग्रीड सर, अटक रही है ये बताइए पहले तो। अब दिक्कत ये हो रही है सर, जब मैंने मुझे लगा क्या कोई डॉक्यूमेंट चैलेंज कर रहा है आपका कि ऑथेंटिक नहीं है, क्या किसी ने चैलेंज किया कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रॉब्लम क्या है सर? फिर एग्रीड सर, सर उसके बाद जब उसने वो पत्र मुझे दिया था, तो मैंने उसको बोला कि भाई मुझे आपका जो ये विषय है काफी संवेदनशील था और लंबे समय से पेंडिंग था, या तो मुझे इसकी जेन्युइननेस के लिए आप इसकी इंक हैंड कॉपी दीजिए, तो उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसको 2-3 बार फिर मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट भी किया था, तो कोई रिस्पॉन्ड 6-7 महीने तक नहीं था। अब जब फिर मैंने आरटीआई आवेदन लगाया कि महोदय इस टाइटल भी लिखा था जो उन्होंने जिस विषय में दिया था वहां चेतावनी पत्र इस, और जो जो उनके बिंदु थे, इन बिंदु पे मुझे भाई आरटीआई पे मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि कौन सा रूल का वायलेशन है ये सब चीज, तो उन जो संबंधित अधिकारी थे उन्होंने मुझे इस विषय में गोलमोल सा एक आरटीआई में रिप्लाई दे दिया, भ्रामक जानकारी दे दी, तो फिर मैंने फर्स्ट अपील लगाई। देखिए देखिए, आपको जो भ्रामक जानकारी दिख गई, ठीक है, तो उस भ्रामक जानकारी को लेकर के उसकी एक कॉपी लगा करके उसी पे जानकारी मांगना शुरू कीजिए। आप बोल रहे लेटर लिखा, जैसे लेटर लिखा, वो बोल रहे लेटर लिखा और एक बोल रहा लेटर नहीं लिखा, है ना, तो लेटर लिखने वाले से वो वाला लेटर बताइए, उस पे यहाँ लगाइए, बोलना देखो फलाना व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं लिखा, अब तुम बोल रहे हो लिखा, तो हमें जानकारी प्रदान कीजिए कि कहाँ क्या गड़बड़ है, उसके दस्तावेज दे दीजिए। इस प्रकार की आप आरटीआई उस पर लगाइए। सर मैंने आरटीआई उस पे लगाई थी, सर मैंने आरटीआई उस पे लगाई थी, लगा दी थी, हाँ, मैं सर थोड़ा सा अपनी चीज थोड़ा रख लेता हूँ, बेहतर क्लियर हो जाएगा। उस पर आरटीआई लगाई थी जो उसने 5 से 6 बिंदु पे चेतावनी दी थी, तो वो भी उसने गोलमोल लिखी थी, तो मैंने आरटीआई लगा के पूछा कि जो ये 6 बिंदुओं पे आपने चेतावनी पत्र दिया है, ये कौन से पार्ट का वॉयलेशन है, कौन सा रूल नंबर का वॉयलेशन है, मुझे आप स्पेसिफिकली इस चीज को बताएं, तो उसमें उसने मुझे भ्रामक जानकारी गोलमोल दे दी। तो मैंने फिर प्रथम अपील लगाई थी, प्रथम अपील ये अधिकारी पे, उसने टाइटल तो जब उसने आरटीआई का रिप्लाई दिया था तो उसने एक्सेप्ट किया था, तो फिर जब मैंने प्रथम अपील लगाई तो प्रथम अपील अधिकारी ने उस कार्यालय से फिर जो सारे डॉक्यूमेंट फिर मांगे, तो फिर बोला कि ये लो, ये जो आप जानकारी मांग रहे थे संबंधित कार्यालय के डॉक्यूमेंट में अटैच करके आपको दोबारा भेज रहा हूँ। तो उसमें अब वो क्या बंदा जो जिसने जो लोक सूचना अधिकारी है, जो संबंधित कार्यालय था जिसने चेतावनी दी थी, अब जिस टाइटल पे उसने चेतावनी दी थी, जिस लेटर पे, अब उस लेटर के लिए ही उस कंटेंट को मुकर रहा है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, बोला मैंने तो सिर्फ पैसे लेने के लिए दी थी और चिकित्सा में लापरवाही के लिए मैंने कोई चेतावनी नहीं दी है, अपने ही दिए हुए डॉक्यूमेंट को मुकर रहा है। तो अब मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, सेकेंड अपील लगा सकता हूँ या कोई दूसरी रेमेडी ले सकता हूँ? देखिए, अपील हमेशा जो है किसी विनिश्चय से अगर आप व्यतीत हो तो लगाया जाता है। तो जब आपका विनिश्चय आपको जो चाहिए वो मिल चुका है, तो आप उस पर अपील क्यों जाना चाहते हैं?
अगर मिला सर जो आपका इशू अगर मेडिकल नेगलिजेंसी से रिलेटेड है तो मेडिकल नेगलिजेंसी आपका कौन सा स्टेट है? मेरा सर उत्तराखंड है। उत्तराखंड है, वहां पर भी नर्सिंग होम एक्ट अलाउड है, वहां पे शायद क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नाम से। हाँ हाँ, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में 101% इस बात की प्रोविजन है कि जो शिकायत करता है वो शिकायत करता किस प्रोसीजर के तहत शिकायत करेगा, तो आप उसके तहत, आप उस प्रोसीजर के तहत उसको अपनाते हुए करें। बड़ी छोटी सी पतली सी बुक आती है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की, यस यस यस, है ना, उसको तो मैंने सर उसकी रेगुलेटिंग बॉडी से किया था, मैंने जो सर उसकी शिकायत वो की थी, जो उसकी रेगुलेटिंग बॉडी थी सर मेडिकल इंस्टीट्यूट की, उस पर शिकायत की थी और ऑथराइज भी है इस चीज पे इन्वेस्टिगेट और काम करने के लिए आगे, उसी रेगुलेटिंग अथॉरिटी को की थी मैंने। आप जो है ग्रीवांस रिड्रेसल से संबंधित जानकारी एक आरटीआई लगा के और मांग लीजिए कि विभाग या सरकार के द्वारा उत्तराखंड में जो ग्रीवांस रिड्रेसल है उसके लिए किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके के लोगों को ऑथराइज किया गया है, किस प्रक्रिया के तहत कोई जिस तरीके के मामले होते हैं उनकी निपटारा किस तहत किया जाता है। आपको इसमें मिलेगा, इसमें दो तरीके की एजेंसियां होती है हर मेडिकल डिपार्टमेंट में, एक होती है हेल्थ सर्विसेज और दूसरी होती है मेडिकल एजुकेशन। तो आपका अगर इशू किसी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड है तो आप मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप उसकी प्रोसीजर को अपनाएंगे, लेकिन अगर किसी जिला अस्पताल है या जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स या इनसे रिलेटेड है तो आप हेल्थ सर्विसेज वाली चैनल में जाएंगे। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ होती है। इसके अलावा भी एक तीसरा चैनल और है, लेकिन वो हेल्थ सर्विसेज के अंदर ही ज्यादातर स्टेट्स में है, वो है आयुष्मान, जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है PMJSY वाली, उसके अंतर्गत जो उपचार दिए जा रहे हैं उसके कुछ स्टेट्स में अलग विंग बनाए गए हैं। तो जिन स्टेट्स में अलग विंग बनाए गए हैं तो उसमें भी आयुष्मान के लिए भी गाइडलाइन हर स्टेट ने अपनी अपनी बनाई हुई है, तो उसकी नियम जो जितने भी बनाए गए हैं उसकी कॉपी मांग लीजिए। क्या है कि कुछ चीजें बिना पढ़े लिखे करना बेवकूफी होती है और उसमें अपने नहीं, सर मैं जो जिस रेगुलेटिंग बॉडी ने उसको चेतावनी दी ना वो ECHS है, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, और एज पर रूल मैंने उसके जो डॉक्यूमेंट गाइडलाइंस चेक किए थे वो मेडिकल नेग्लिजेंस उसके जो अनुबंधित अस्पताल हैं उस पे और उस पे एक्शन लेने के लिए वो एक ऑथराइज बॉडी है एज पर जो रूल है, तो मैंने उन्हीं को भी कंप्लेंट नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आती होगी जो सर बता रहे हैं ना, वो नेशनल हेल्थ मिशन करके एक और चैनल चलता है वो भी हेल्थ सर्विसेज के अंदर आता है। इसके लिए हर स्टेट में मिशन डायरेक्टर्स होते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के लिए, आप उनसे संपर्क कीजिए, आपको तुरंत राहत मिलेगी। नहीं नहीं वो तो सर ठीक है, उसके लिए मैं ले सकता हूँ, लेकिन जो कंसर्न जो रेगुलेटिंग उसकी बॉडी थी जिसने चेतावनी दी थी अब वो अपने ही द्वारा दिए हुए पत्र और विषय से सर मुकर रहा है। उसने आपको किसी तरीके की चेतावनी दी थी तो आप पुलिस में एक शिकायत कर दीजिए। मुझे नहीं दी थी सर वो मुझे नहीं, उसने जो मेरी शिकायत अगले को दी थी और मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, तो मैंने RTI में उससे मांगा था, तो उसने RTI में भी उसको डिनाई नहीं किया, लेकिन जब मैंने सेकंड अपील में उससे मांगा जब वो देना नहीं चाह रहा था गोल गोल घुमा रहा था, तो अब जो उसका कंटेंट जिस विषय पर उसने चेतावनी दी है वो संबंधित विभाग और उसका लोक सूचना अधिकारी अब उस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि हमारे द्वारा ऐसा कुछ नहीं दिया गया था इस प्रकार का पत्र। कोई धारा लिखी उन्होंने कि हम कारण से नहीं दे रहे 8 बजे या ऐसा कुछ बोला है? नहीं, उसने मुझे क्या है कि भ्रामक जानकारी के लिए मैंने कहा कौन कौन सा वायलेशन किया, तो उसने मुझे कंप्लीट 70-80 पेज का एक बुकलेट पकड़ा दी, बोला इसमें ढूंढ लो। हाँ तो वो इसके वायलेशन का हमने दिए, लेकिन मैंने जो स्पेसिफिक सर मैंने स्पेसिफिक मांगी थी बता दिया उन्होंने, मैंने तो सर उससे स्पेसिफिक मांगी थी इस पॉइंट पे कौन सा स्पेसिफिक है, इस पॉइंट पे कौन सा स्पेसिफिक है, लेकिन वो ठीक है, वो यदि आप एक पन्ना दे देते तो आप बोलते अपूर्ण है, फिर आप अपूर्ण का केस कर देते। लेकिन मैंने स्पेसिफिक लिखा ना वीरेंद्र सर यहाँ पर लगता है 7-9 का वायलेशन हो रहा है PIO के द्वारा। ये स्पष्टीकरण का मामला लग रहा है, सामने वाले ने जो पत्र जारी किया है वो उसने अपने विवेक से जैसा उसने सही या गलत लिखा है उसने लिख दिया है, अब वो फंस गया है गलत लिखकर, उस पर स्पष्टीकरण चाह रहे हैं, स्पष्टीकरण वो लाके कहां से दे, सूचना के अधिकार के तहत तो कोई दस्तावेज उसके स्पष्टीकरण के लिए है नहीं। अब मुद्दे की बस बात इतनी ही है, तो ये जो है ये RTI का मैटर कम, ये ग्रीवांस रिड्रेसल का मैटर ज्यादा है, आप इसकी शिकायत अपने
कलेक्टर को या उससे रिलेटेड जो ऑफिसर्स है जो मिशन हेल्थ के होंगे, आयुष्मान से होंगे, आपको वहां पे एक शिकायत उस पर बनानी पड़ेगी और उसको बताना पड़ेगा कि किस तरीके की ये चीजें की गई थी और अब इस चीजों से मुकरा जा रहा है, तो एक अलग प्रोसीजर जांच का उसमें आप मांग कर सकते हैं। तो सेकंड अपील में नहीं जा सकता हूं? सेकंड अपील तो कंप्लेंट में तो हो जाएगा देवेंद्र जी, आप जाइए, आपको रोक कोई नहीं पा रहा है, लेकिन क्या डिसीजन बहुत अच्छा है, इसमें आरटीए से कोई लेना देना दिख नहीं रहा है मुझे। देवेंद्र जी इसमें एक बात, अपील से हमको लगता है जितना हमको समझ में आया सेक्शन 18(1)(e) में कंप्लेंट करने से अच्छा जवाब मिलेगा पीआईओ को। सर स्पष्टीकरण कहां से देगा? नहीं नहीं वो तो झूठ बोल रहा, स्पष्टीकरण झूठ बोल रहा सर, एक्चुअली वो तो झूठ बोल रहा सर, उससे वो डॉक्यूमेंट मनीष जी एक मिनट। देवेंद्र जी बात क्या है, पहले पीआईओ जो लेटर लिखा था सेकंड टाइम वो डिनाई कर रहा है लेटर को, लेटर तो मनीष जी का पास है, फर्स्ट अपील में डिनाई कर रहा, तो अभी मनीष जी का दो रास्ता है, एक तो 19(1) में सेकंड अपील, 19(3) में सेकंड अपील सॉरी, और दूसरा रास्ता है मेरा हिसाब से सेक्शन 18(1)(e) में कंप्लेंट, काय के लिए पीआईओ सरासर झूठ बोल रहा, अपना लिखा हुआ लेटर को डिनाई कर रहा है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली आप ठोक दीजिए, बढ़िया से ठोक दीजिए, उत्तराखंड है तो मनीष जी उस पर स्पष्टीकरण चाह रहे हैं कि आपने किस आधार पर ये कंटेंट लगाया। अब वो नहीं देने के लिए तो डिनाई कर रहा सर, सर वो बोल रहा है कि मैंने कोई ऐसा कंटेंट इश्यू नहीं किया था। क्या वो लेटर जो है उसको मना कर रहा है कि लेटर जारी? हाँ, डिनाई कर रहा है, डिनाई कर रहा है। उसमें जो सब्जेक्ट था सर वो मेडिकल ट्रीटमेंट में लापरवाही और पैसा लेने के लिए, अब वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मना कर रहा है, बोलता मैंने तो सिर्फ पैसे के लिए दिया था, वो ये लिख के दे रहा है। हाँ, मतलब वो डिनाई कर रहा है, पार्शियली करे या होल करे वो डिनाई कर रहा है, डिनाई करने से वो फॉल्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो सेक्शन 18(1)(e) में आता है ये कॉम्प्लेंट। और दूसरा है जो देवेंद्र साहब बोल रहा है, देवेंद्र जी जो बोल रहा है सेक्शन 19(3) में अपील, पहले कॉम्प्लेंट तो क्लियर कीजिए उसका बाद अपील कीजिएगा, लंबा कहानी है, मजा है इसमें एकदम बढ़िया मजा है, एकदम मक्खन मिलेगा आपको। और बाकी जो है कॉम्प्लेंट ग्रीवेंस थाना पुलिस कोर्ट कचहरी वो तो अलग है, वो एक्स्ट्रा बोनस है, बाद में कीजिएगा, पहले ये दो तो निपटा लीजिए आरटीआई में। यस सर, मेरा राय है आप थोड़ा सोच लीजिएगा, ऐसा नहीं मैं बहुत पंडित आदमी हूँ इसका बारे में, बहुत जानकार आदमी ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जो समझ में आया सो फार आई हैव अंडरस्टूड है वही हम आपको मतलब ओपिनियन बोलिए, सजेशन बोलिए, जो भी बोले दीजिए, लेकिन और बेहतर मिलेगा ठक्कर साहब से, ठक्कर साहब हम लोग का मार्गदर्शक है। एक्चुअली हुआ भी यूँ ना सर उसको, क्योंकि जो मेडिकल ट्रीटमेंट में लापरवाही थी, जो कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी था, जो पीआईओ जिसे इन्फॉर्मेशन ली थी, तो बाद में पता चला कि उनके एंड से भी लापरवाही थी, तो मैंने उसको लीगल नोटिस भी भेजा था सेटलमेंट के लिए, अब वो सेटलमेंट से भी बचने के लिए इस वजह से डिनाई कर रहा है कि मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट में लापरवाही के लिए कोई दिया ही नहीं था वार्निंग लेटर, इसलिए भी मना कर रहा है। हमारा कहना है आप कंप्लेंट में इतना ही बोलिएगा पीआईओ झूठ सरासर झूठ बोल रहा है, कॉन्शसली फाइलिंग ए फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, इसको सेक्शन 20 में आप पेनल्टी लगाओ, सीधी बात है, काय के लिए हाईकोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट का स्पेशल ऑर्डर है सेक्शन 18 में एकदम पेनल्टी लगाना ही है, इसमें इंफॉर्मेशन देने का कोई रास्ता नहीं है। सर उसने सर पांच से छह पॉइंट पे उसने अस्पताल को वार्निंग दी थी, तो मैंने बोला ये छह पॉइंट कौन से सुने, अस्पताल में वार्निंग दिया किसको क्या बोला वो उतना आपको अभी सोचने का नहीं है, उसको आप बैंक में जमा करके रखिए, बाद में उसको खरोचेंगे, अभी जितना है जो वो डिनाई कर रहा है अपना लेटर को, मतलब झूठ बोल रहा है, कानूनी हिसाब से झूठ बोल रहा है, आपके पास उसका लेटर है, आपके पास है प्रूफ है, और वो बोलता है हमने नहीं दिया, डिनाई कर रहा, झूठ बोल रहा है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एकदम बड़े से ठोक दीजिए। Agreed, sir. ठीक है, ओके, थैंक यू सर। शिवानंद जी नेक्स्ट, शिवानंद जी हाँ इसमें और भी लोग हमारे साथ हैं, अमित जी हैं, प्रेम है झांसी से, ब्रजेश विश्वकर्मा है, ब्रजेश विश्वकर्मा जी क्या है, भूख लग गया सिमरन जी, हाँ ब्रजेश विश्वकर्मा जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं, अमित जी कुछ
अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, हाँ आवाज आ रही। हेलो, पूछिए पूछिए सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है सर? हेलो, हाँ भाई आवाज, हेलो आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। सर मैं ये कह रहा था कि पिछली बार मैंने नगर पालिका परिषद गंज बासोदा के तहत आवेदन दिया था, जिसमें है ना मेरे को प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उसके बाद मैंने मुख्य सूचना राज्य सूचना आयोग में भेज दिया है। अब वो वहां से तो कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी उन्होंने भ्रमित दी थी, क्या उस पर हम आरटीआई लगा सकते हैं क्या? जी सर, आरटीआई तो आप बिल्कुल लगा सकते हो, जो भ्रमित जानकारी दी है उस पे भी आप आरटीआई लगा सकते हो, आरटीआई लगाने से कोई मना नहीं करता है। नहीं, जो बिंदुओं पे हमने जानकारी मांगी थी, वो कि सर्वे चल रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, तो जो बिंदु दिए हैं उन बिंदुओं पे हम पुनः से कर सकते हैं कि ये सर्वे चल रहा है, ये किसके अंतर्गत चल रहा है, कौन सी एजेंसी के अंतर्गत चल रहा है, इस प्रकार की जानकारी मांग सकते हैं ना अपन? हाँ लगा सकते हैं बिल्कुल, है ना। हाँ, और राज्य सूचना आयोग में सर, जैसे कि अभी पिछले शायद 3 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई वो नहीं आया, तो क्या रिमाइंडर भेजें फिर क्या एक बार? बस ना ना, रिमाइंडर मत भेजिए, आप एक आरटीआई लगाइए कि मैंने ये तारीख को मैंने जीती अपील लगाई थी, इस संबंध में की गई कार्रवाई के दस्तावेज प्रदान करें। तो किसको आयोग में लगाना पड़ेगा? आयोग में आप मतलब आवेदन लगाएंगे 6-1 में, 6-1 में लगाएंगे, लेकिन आयोग में लगाएंगे ना? हाँ, जहाँ भी आप जहाँ से जानकारी लेना चाहते हो वहाँ पर लगाना है आपको। हाँ तो राज्य सूचना आयोग से लेना चाहते हैं, राज्य सूचना आयोग में ही 6-1 में आवेदन दीजिए, बोलना भाई मैंने ये तारीख को उसकी एक फोटो कॉपी लगाना है, बोलना मैंने ये तारीख में दस्तावेज भेजे थे, उस संबंध में की गई कार्रवाई के दस्तावेज भेजिए, प्रदान कीजिए प्रमाणित कॉपी। जी बिल्कुल, देंगे हमने ये दर्ज कर लिया है, फलाना किया, ढिमका किया है, ऐसा जो भी उन्होंने किया, उनका जो भी जवाब, उनका दस्तावेज आ जवाब, उनका दस्तावेज आ जाएगा। और एक चीज और है, एक आरटीआई और लगाई थी ग्राम पंचायत में, तो उन्होंने ना क्या है कि पहले तो जानकारी देने से मना किया, फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी को हमने जब लेटर दिया है, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी ने हमारे लिए ऑफिस में बुलाया और उन हमारा पक्ष लेते हुए सचिव से कहा कि आप इनको जानकारी दीजिए, ठीक है। इन्होंने हमको जानकारी दी 130 पेजों की, क्योंकि इन्होंने 3 महीने बाद जानकारी दी हमारे लिए और 260 रुपए की हमसे रसीद कटवाई, हमने कटवा ली रसीद तो, ठीक है। उसके बाद हमने वहां पर देखा, उस दस्तावेजों में देखा, तो दस्तावेज में जो चीजें दी गई हैं वहां पर धरातल पर नहीं थी। हाँ, तो अब आप एक काम कीजिए, आपके पास जो आपके पास जो दस्तावेज मिले हैं, ठीक है जी, हाँ उसमें ये लिखिए कि हमें आपने बोला 3 महीने बाद लिया, तो आप उनसे पूछिए कि आपने 30-35 दिन बाद हमसे आरटीआई की किस धारा में मतलब फीस प्राप्त करी है, उस धारा की जानकारी प्रदान करें, ठीक है। तो वो धारा की जवाबदारी तो दे नहीं पाएंगे, आपसे उन्होंने गैरवाजिब ले ली, क्योंकि 30-35 दिन के बाद तो अपील करने के बाद तो फीस लेना नहीं चाहिए थी। हाँ वो तो, लेकिन हमने दे ली, उनने दे दी है ना, तो उनको लिखिए कि हमने दे दी, आपने मांगी ले ली, लेकिन आपने किस विधान के अनुसार 35 दिन के बाद ली है, उस विधान की हमें जानकारी प्रदान करें। हाँ, तो जो प्रथम अपील अधिकारी सीओ साहब के, हेलो, इतना प्रश्न पूछने के बजाय सीधा 7-6 लिखिए कि 7-6 के अंतर्गत मुझे निशुल्क मिलनी चाहिए, ये क्लेम करिए, 7-6 में अपना क्लेम करिए, उनसे धारा पूछने के बजाय प्रश्न पूछेंगे तो जवाब नहीं देंगे, 7-6 क्लेम करिए, 30 दिन के बाद 7-6 लागू हो गया है ना, तो 7-6 के अंतर्गत निःशुल्क करके रिफंड करिए अतिरिक्त शुल्क, ये लिखिए आप। अच्छा, उसमें दूसरी चीज ये है कि जब वो हमने उनका वो जानकारी मांगी थी, तो उसकी जो मजदूरी है ना, वो कुल मिला के 11,000 रुपए लगभग है लिखित में, और उसमें उन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है, तो उसमें उन्होंने मजदूरी 49,000 रुपए लिख दी है। वो चैलेंज कर लीजिए आप।
जी 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 वही वो सूचना आयोग लेवल पर भी आप चैलेंज कर सकते हैं सीधा 18 में। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही जानकारी। अत्यधिक शुल्क मांगा गया, इस राउंड पे आप चैलेंज कर सकते हैं। फिर आप जी जी और वन आपके और वन मजदूरों से भी जी आपके पास सबूत आ गए हैं शिकायत करने के, अब आपके पास दस्तावेज आ गए हैं कि फलानी जगह फलाना ऐसा ऐसा गड़बड़ हुई है, ये आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत बना के उसकी कॉपी लगा के शिकायत बना के दीजिए। जी 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 है ना फलानी जगह। हाँ इस तरीके से आगे का प्रश्न ले लेते हैं, अमित समय भी फिर होने वाला है। अमित जी आपका क्या प्रश्न है, अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। अमित जी प्रेम झांसी यूपी से हैं, प्रेम जी आपका क्या प्रश्न है? फिर हमारे बीच में आशीष अग्रवाल जी हैं यूपी से, हैंड रेज किया हुआ है आशीष अग्रवाल जी आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैंने एक व्यावसायिक भूखंड की सूचना मांगी थी थर्ड पार्टी की, जिसका प्रयोग कमर्शियल में हो रहा था उसके बिजली कनेक्शन की, तो 6-1 में कोई जवाब नहीं दिया, 19-1 में कोई जवाब नहीं दिया, 19-3 में 2-1.5 साल बाद सुनवाई लगी उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में, तो PIO ने एक लेटर दे दिया कि ये मुझे जिस पार्टी की मैंने थर्ड पार्टी की सूचना मांगी थी कि फलाने बारात घर से मेरा कोई संबंध नहीं है जिसकी मैंने सूचना मांगी थी, और इसको इसकी सूचना भी ना दी जाए। इस फलानी चीज से मैंने किसी की मांगी कि फलाना बारात घर की मुझे बिजली कनेक्शन की प्रति उपलब्ध करा दिया कि इन्हें व्यावसायिक कनेक्शन लिया है या नहीं लिया, संयोजन व्यावसायिक संयोजन विद्युत, तो उसने यही लिख के दे दिया कि फलानी की सूचना ना दी जाए और फलाने बारात घर से मेरा कोई संबंध भी नहीं है। इतना देखते ही सूचना आयुक्त ने केस खारिज कर दिया हमारा आयोग में, तो हमें आगे क्या करना चाहिए सर? सर आयोग में एक आवेदन लगाइए 6-1 में कि आपने किस धारा के तहत खारिज किया गया है। उन्होंने धारा लिखी है क्या? नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी ने सूचना देने से मना कर दिया, अतः शिकायत निस्तारण करने योग्य बात खारिज किया जाता है बस। हाँ तो अब आप तो आयोग के पीछे चले जाइए, आयोग में ही लगाइए RTI, 6-1 में RTI लगा के पूछिए। आप जो हमसे पूछना चाह रहे हो वो RTI आयोग में लगा के पूछिए कि भैया आपने कौन से धारा में इसे जानकारी देने से मना कर दिया। नहीं 81J का मामला है, पब्लिक इंटरेस्ट आपने बताया था आयोग को, पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन उन्होंने तो बताया ना, उन्होंने बोला थर्ड पार्टी बोला है, थर्ड पार्टी मतलब 81J, तो आपने क्या पब्लिक इंटरेस्ट क्या ये बताया था उनको आयोग को अपेलेट लेवल पर? आपकी जो सेकंड अपील थी उसमें आपने लिखा था कि इस मामले में पब्लिक इंटरेस्ट है। सर मेरा ऐसा मानना है सर देवेंद्र जी, लागू हुआ ये भी पूछना चाहिए ना, जवाब तो आयोग से लेना चाहिए RTI लगा के। ऐसे तो बोल देगा 81J है तो कहाँ से 81J हो गया। नहीं, वो ये कह रहा है कि मेरा इस चीज से कोई संबंध भी नहीं है और इसकी सूचना भी ना दी जाए इसको, तो संबंध है कैसे साबित करेंगे आप, क्योंकि वो कहीं के पूरी दुनिया भर की नहीं क्या कोई, देखो 2F में क्या है कि किसी ना किसी विधि के तहत वो सूचना हासिल की जा सकती है। क्या PIO के पास ऐसा कोई पावर है कि वो अमुक व्यक्ति के या अमुक ठेकेदार की या पब्लिक कोई प्राइवेट टेंट हाउस है उसकी सूचना उसके पास आई हो? वो क्यों, मतलब है कि आप किसी भी टेंट हाउस की सूचना बोलोगे जो उसके ऑफिस में है नहीं, तो वो कहाँ से लाएंगा ये बताइए। नहीं सर बिजली विभाग में संबंध क्या है, संबंध तो बताइए, संबंध बताइए दोनों का संबंध क्या है। सिर्फ अपने ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए जिम्मेदार है ना, बाकी ऑफिस पे कहाँ पर आप बोलो कि यहाँ से अमुक हासिल कर दो अमुक वहाँ से हासिल कर दो, तो कैसे करेंगे? और फिर प्राइवेट ठेकेदार है, टेंट हाउस वाला है, डिस्ट्रिक्ट कमांडर RTI, क्या वो 2H में पब्लिक अथॉरिटी है? क्या उसने कोई डॉक्यूमेंट जमा कराया, ऐसा कोई आपके पास ये है कि जमा कराया उसने कोई, क्या बिजली कनेक्शन दे रहे वो? एक बारात घर चल रहा है सर, उसकी सूचना मांगी थी कि उसके बिजली कनेक्शन की सूचना उपलब्ध करा दी जाए क्योंकि वो रेजिडेंशियल कनेक्शन पे चल रहा था। अब उसने बारात घर वाले ने यही तो लिख के दे दिया, इस बारात घर से मेरा कोई संबंध भी नहीं है और इसकी सूचना भी नहीं दी जाए इसको। हाँ तो हो सकता है उन्होंने कनेक्शन ही ना दिया हो, कनेक्शन अवैध हो। देखो अवैध कनेक्शन की कंप्लेंट आप इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है उसके तहत आप चीफ इंजीनियर ऑफिस या कहीं पे कर सकते हैं, ये अवैध है भाई, उसने जो सूचना दी एज पर RTI इट इज करेक्ट बिकॉज देयर इज नो रिकॉर्ड, क्योंकि कनेक्शन ही अवैध है ना, तो अवैध है तो इसका मतलब कोई, देखो सूचनाओं मिलेंगी जो कागज पर है,
आपको यदि लगता है कि कनेक्शन अवैध है तो आप अवैध कनेक्शन की सीधे शिकायत करिए, क्योंकि अब तो उसने बोल दिया कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि कनेक्शन यदि देते तब तो उनके पास कोई रिकॉर्ड होता, क्योंकि कनेक्शन ही अवैध है। देखिए मामला यही है ना, आप साफ साफ नहीं बता रहे, आप घुमा रहे मामले को। कनेक्शन अवैध है ना, बात सिंपल शब्दों में बताइए, देखो तो उपाय निकल जाएगा। आप यदि घुमा लेते हैं और कनेक्शन अवैध है तो डॉक्यूमेंट डजंट एग्जिस्ट, इज 100% राइट। तो ऐसा है कि फिर कागज नहीं है, तो अब अवैध कनेक्शन है तो वो आरटीआई में नहीं आएगा, वो तो बोलेंगे और वो स्टैम्प पेपर पर भी लिख के दे देंगे कि हमने कनेक्शन नहीं दिया। आपको अवैध कनेक्शन कटवाना है तो आपको चीफ इंजीनियर ऑफिस या जो उनका यह है उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के मुताबिक यह कनेक्शन है, इसका बिल नहीं दिया जा रहा है ना, या जो भी है, तो उसके मुताबिक उसमें कार्रवाई विधिनुसार की जाए। ये हो सकता है आरटीआई में उसने जो सुना दिया वो बिल्कुल सही है, डॉक्यूमेंट डजंट एग्जिस्ट, यदि उसके पास नहीं है तो कहां से लाके देंगे, और वही उसने लिखा सर। सर उसने ये लिख दिया कि इनको इनकी सूचना नहीं दी जाए, और मेरा इससे कोई संबंध भी नहीं है इस बरातघर से, उसके मालिक जब तेरा कोई संबंध नहीं है तो हाँ, तो सूचना कैसे रोक रहा है? नहीं उसने ये बोला है कि मेरे पास सूचना है लेकिन नहीं दूंगा 81J में, ये बोला है? ना ना ये नहीं बोला, ये नहीं बोला। हाँ, तो फिर हाँ, तो इसका मतलब सूचना नहीं है तो 2F में आएगा मामला, न दी जाएगी वजह उसको लिखना चाहिए था नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो एग्जिस्टेंस ही नहीं करती है, सूचना डजंट एग्जिस्ट, तो आप 2F का मामला है, आप उसको 81J में ला रहे, वो 2F का मामला है। हमने इसकी जांच करी और 3924 रुपए की पेनल्टी भी लगा दी उसके ऊपर, मात्र 6 महीने की पेनल्टी बना के मेरी शिकायत। पेनल्टी आप आरटीआई पेनल्टी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पेनल्टी की बात कर रहे हैं? उसने फिर पेनल्टी भी लगा दी उस पर 3924 रुपए की, जांच करके चोरी की रिपोर्ट बना दी 991 वाट की, लेकिन कनेक्शन परमानेंट नहीं किया। और मैंने उसकी ये भी मांगी थी कि इनके नियमों का विद्युत विभाग का उल्लंघन हो रहा है इस प्रकार से रेजिडेंशियल लाइट जलाने पर, उसकी प्रतिबंधित करा दी जाए। हाँ, तो कार्रवाई भी कर दी उन्होंने, तो अवैध कनेक्शन है, उन्होंने पेनल्टी भी लगा दी, अब क्या कर लोगे आप, वो तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई कर भी ली है। अब कनेक्शन कटवाना है तो देखिए, आप देखिए कि बिना नोटिस के कनेक्शन काट भी नहीं सकते, वैध है तो, अदरवाइज 425 में आईपीसी में क्रिमिनल ऑफेंस है। तो अवैध कनेक्शन है तो काटा जा सकता है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में प्रोविजन है, तो उसमें कार्रवाई के लिए आप लिखिए। हटिया में जो सूचना दी वो बिल्कुल सही है, वो तो बोल रहे कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो अवैध कनेक्शन है तो रिकॉर्ड कहाँ से रहेगा, ये तो आप बताइए। ठीक है ना, हाँ उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और लगभग समय संपन्न हुआ, आप लोगों ने जो प्रतिभागी थे उनके सभी के प्रश्नों के सार्थक आपने जवाब दिए, और आज खुशी की बात थी कि हमारे बीच में श्री शैलेश गांधी सर भी उपस्थित हुए और अपनी बात उन्होंने रखी। आत्मदीप सर भी जुड़े लेकिन वो थोड़ा सा अभी उस परिस्थिति में नहीं है कि हम लोगों को कुछ और मार्गदर्शन दे पाए, संभवतः अगली बार से वो हमारे बीच में जुड़ेंगे, भी विजिट में थे जैसा कि उन्होंने जानकारी दी थी। आगे के कार्यक्रम के लिए आप लोग अपना सुझाव मुझे व्हाट्सएप में आप डाल देना कि क्या कुछ रखा जाए टॉपिक, और हम उसके अनुरूप अगला प्लान बनाते हैं, और इसी तरह से आप लोग लाभान्वित होते रहें और चर्चाएं होती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं फिर अगले संडे को। धन्यवाद देवेंद्र जी। थैंक यू भैया, आपका भी धन्यवाद। हो सके तो सर सीआरपीसी को कंटिन्यू करवाने के लिए निर्देश वो करते तो। हाँ हाँ नहीं ठीक है, वो दिया था वीरेंद्र जी ने, अच्छा सुझाव दिया था, वो उसमें से टॉपिक मैंने उठाया था, अभी मैं अगली बार उसको देखता हूँ अगला कौन सा रखा जाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्वेस्टिगेशन का रख सकते हैं। हाँ जी जी, ओके थैंक्स।